Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. पूजा, फिर तूने कब तोड़ दिया? तो क्या करूं? हाथ से फिसल गया। हाथ से फिसल गया? उठ उठ कहती हूँ, उठ उठ। घर की सब चीज एक एक करके तोड़ रही है और कह रही है कि हाथ से फिसल गया। मुझे क्या तूने बेवकूफ समझा है? दुष्ट कहीं की बदमाश, रोज कुछ न कुछ तोड़ रही है फिर भी शर्म नहीं है, बेहया। आज के बाद अगर तूने और कुछ तोड़ा तेरी सारी हड्डी पसली मैं तोड़ के रख दूंगी, ये कह देती हूँ मैं। कैसे? हाथ से फिसलकर गिर गया। फिसलकर गिर गया? तुझे क्या लगता है मैंने ऊपर से कुछ नहीं देखा? कप को हाथ में लेकर तूने इधर उधर देखा फिर जानबूझकर तोड़ दिया। तोड़ दिया तो अच्छा किया। अच्छा किया? हाँ अच्छा किया। कल पैर फिसलकर हाथ से कप छूटकर टूट गया तो माँ जी ने पीटा, जानबूझकर नहीं तोड़ा था फिर भी मुझे मार खानी पड़ी, तो आज मैंने जानबूझकर एक कप तोड़ दिया। फिर तो तुझे मार पड़ी। फिर से कुछ तोड़ दूंगी। अब क्या तोड़ेगी? अभी क्यों बताऊं? जब तोड़ूंगी तब खुद ही जान जाएंगी आप। पूजा, ए पूजा। आ रही हूँ। इतना समय लगता है खोखा जलाने में? हो गया, पीजिए। क्या रे, मेरा पान कब बनाएगी? दीजिए एक सुपारी दीजिए। और सुपारी क्यों? तो फिर सुपारी के बगैर ही पान लगा देती हूँ। कल जो तुझे सुपारी दी थी उसका क्या किया? कल से लेकर आज तक मैंने कितने पान लगाए बोलिए तो? पान लगाने बैठते ही तो पहले एक टुकड़ा सुपारी अपने मुंह में डालेगी। सुपारी अब बचेगी कहाँ से? ले पकड़। सुना है कि आज तूने फिर एक कप तोड़ा है। तेरी माँ ने तो 30 साल से भी ज्यादा मेरे घर में काम किया है, उसके हाथ से गिरकर कभी कुछ टूटा हो ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। माँ शायद हाथों में गोंद लगाकर काम करती थी। लीजिए। अरे बाप रे, क्या हुआ? अरे बाप रे, हाँ क्या बात है? अरे बाप रे, ये क्या? पान के अंदर पत्थर कहाँ से आया? वो पत्थर नहीं, सुपारी का टुकड़ा होगा, ध्यान से देखिए। चुप रहे, कौन सा पत्थर है और कौन सी सुपारी है ये तू मुझे बताएगी? तब शायद पत्थर सुपारी के अंदर ही रहा होगा। सुपारी के अंदर पत्थर? सुपारी भी पेड़ पर लगती है और नारियल भी। अगर नारियल में अपने आप ही पानी आ सकता है तो सुपारी में पत्थर क्यों नहीं आ सकता बताइए? तू चुप रहे तो कल मोही, इसने मेरा जीना हराम करके रखा है। क्या हुआ माँ? देख ना, पान के अंदर ये पत्थर रखकर कह रही है कि सुपारी के अंदर था। मेरा एक दांत शायद टूट गया। उफ। अभी क्यों बताऊं?
जब तोड़ूंगी तब खुद ही जान जाएंगी आप। ओह माँ, ओह भगवान, दर्द कर रहा है बहुत। उफ, बाप रे। पान के अंदर पत्थर क्यों डाला था? अरे वाह, मैं क्यों डालने जाऊंगी? पत्थर सुपारी के अंदर ही था। सुपारी के अंदर ही था ना? तूने पत्थर क्यों डाला था? बोला तो मैंने नहीं डाला था। मुझे नहीं मारकर आप सुपारी का पेड़ काट दीजिए। फिर मुझसे जबान लड़ाती है? दूर हो जा मेरी नजरों से। गांव के इतने लोग मर रहे हैं, ये कलमू ही मरती भी नहीं। मर ना, मर जा। सुबह उसे मारा, शायद इसीलिए गुस्से में थोड़ा बचपना कर गई। इसलिए एक अनाथ लड़की को तुम मरने के लिए कहोगी? कहने से कोई मर नहीं जाता है, उम्र लंबी होती है। उम्र लंबी हो या ना हो, पर इस तरह से कहकर ठीक नहीं किया तुमने। ओ, ओ, और बाप रे। क्या हुआ, तू यहाँ खड़ी है? क्यों, कहा था ना मैं आज कुछ तोड़ूंगी, तोड़ दिया ना माँ जी का दांत। अच्छा पूजा, तू क्या गांव की सीता गीता है कि तुझे उन्होंने मारा इसीलिए तूने भी मार दिया? मैं कोई गलती करूँ तो मारे, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन बिना मतलब मारने से मेरा दिमाग खराब हो जाता है। क्या फायदा हुआ, पापा से मार पड़ी ना फिर? अब पापा को भी सबक सिखाऊंगी। पापा को सबक सिखाएगी मतलब? जब होगा तब देख लेना। पूजा, पूजा सुन, पूजा कहाँ जा रही है, सुन तो। कहाँ जा रही हो पूजा दीदी? बाजार। हमारे साथ खेलोगे क्या? चल 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 चल। तू मेरी टीम में खेलोगी पूजा दी? नहीं नहीं, मैंने बुलाया है, ये मेरी तरफ से खेलेंगी। कौन हारा है? मैं अभी तक एक बार भी नहीं जीता। अगर खेलना ही है तो मैं दीपू की तरफ हूँ, मंजूर है तो? चल 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 चल। गोली तू तरफ जाओ, मैं इस तरफ खड़ा रहता हूँ। ले पकड़। अरे मैं पकड़ा, जल्दी ठीक से पकड़ना। अरे बाप रे, ओ हो, लग गया। कितना जोर से मारा हो। गिल्ली दीजिए। किसने मारा मुझे? जानबूझकर नहीं मारा, गलती से लग गया। दीजिए गिल्ली। अगर इससे मेरा सर फट जाता तो आप चिल्लाते, हम लोग हंसते। तेरी हंसी मैं निकालता हूँ, आज तेरे घर जा रहा हूँ, आज मैं फैसला करके रहूंगा। जानबूझकर नहीं मारा, इसके बावजूद आपने बड़े साहब से कहा और इसकी वजह से मुझे अगर मार पड़ी तो इसी से आपका सर फोड़ दूंगी। क्या, तू मेरा सर फोड़ेगी? रुक, मैं तुझे बताता हूँ। सुनिए 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 सुनिए, रुकिए। आपकी दौड़ कितनी है मुझे पता है, दीदी के लिए 5 साल से लड़का ढूंढ रहे हैं, आज तक तो एक भी नहीं ढूंढ पाए। तू बोल कैसे ढूंढूं? तेरे बड़े साहब उस काली लड़की के लिए ना देंगे नगद ना देंगे गहने। तो फिर इतना दौड़ क्यों रहे हैं? बड़े साहब को साफ साफ बोल दीजिए कि ये मुझसे नहीं होगा। मेरा नाम है शिवहरी पंडित, आज एक लड़के की बात ही करने जा रहा हूँ। लड़का कौन है सुनो जरा। तुझे क्यों बताऊं? तेरे साहब को ही बताऊंगा। नकुल दत्त, मतलब वो मजदूर? दया करके उन्हें मजदूर मत कहिए, वो बिजनेसमैन है, 10-12 धान की चक्की है, 3 तेल के कारखाने हैं। जहाँ तक मैंने सुना है कि वो शादीशुदा है, पिछले ही साल उनकी पत्नी मर चुकी है। भगवान ने आप लोगों के ऊपर कृपा की, इसीलिए तो उसकी बीवी मर गई। बेटी के लिए आप लोगों को इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। नहीं नहीं, इतने दिन इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कर लेंगे। मैना हमारी इकलौती बेटी है, उसके साथ बेटी की शादी नहीं करवाएंगे। अगर सच कहूँ तो माँ जी, आपकी बेटी थोड़ी सांवली है, शादी में आप लोग नगद भी नहीं दीजिएगा, गहने भी नहीं दीजिएगा, ऐसी लड़की के लिए इससे अच्छा लड़का मिलना। आप कोशिश करिए ना। कोशिश करने में मैंने क्या कोई कमी रखी है माँ जी? मैं कह रहा हूँ ऐसा लड़का आप हाथ से जाने मत दीजिए, सोने की अंगूठी टेढ़ी हो तो उसकी कीमत कम नहीं होती। आपकी बेटी पैर के ऊपर पैर रख करके सारी जिंदगी राजरानी बन के रहेगी। नहीं, फिर भी आप खोजिए। मैं अगले रविवार को नकुल बाबू को लेकर आता हूँ, आप लोग भी उनसे मिल लीजिएगा। हाँ यही अच्छा रहेगा, आज तो मंगलवार है, 4-5 दिन सोच लेता हूँ। ठीक है,
तो अब मैं चलूं? ओ, और एक बात, पूजा को एक बार अच्छे से डांटिएगा तो कह रही थी मेरा सर फोड़ देगी। ठीक है, देखता हूं। दोपहर को तुम्हारे हाथ से मार खा के वो जो निकली है लड़की अभी तक नहीं लौटी, कहाँ गई होगी बताओ तो। ये लीजिए आपके पैसे। ओ चाचा जी। क्यों रे पूजा, अभी तक महीना खत्म नहीं हुआ तो फिर से आ गई? रहने ही दीजिए, जिस घर में 20 साल से राशन पहुंचा रहे हैं उस घर की कोई खबर ही नहीं रखते। क्यों, क्या हुआ घर में? और क्या होगा, 15 दिन पहले अचानक से माजी चल बसी है। क्या हुआ था उनको? और क्या होगा, दीजिए थोड़ा बादाम दीजिए, खाते खाते बताती हूँ। लिस्ट लिखिए। कैसी लिस्ट? कल माजी का श्राद्ध है ना, हजारों लोग खाएंगे, 6 बजे तक हलवाई भी आ जाएंगे, 5:30 बजे तक 2 गाड़ी सामान भेज दीजिएगा। दीजिए बादाम दीजिए, क्या हुआ? चल बोल। अरवा चावल 200 केजी। अरवा चावल 200 केजी। मूंग दाल 200 केजी। मूंग दाल, अरवा चावल, मूंग दाल, उनकी शाद में खिचड़ी बनेगी क्या? खिचड़ी क्या ऐसे ही बन रही है? माजी को मरने से पहले 2 बार हिचकी आई थी। पहली बार हिचकी आई कहा खिचड़ी, दूसरी बार हिचकी आई तो कहा आलू का चोखा। इसीलिए बड़े साहब ने ये तय किया माजी की आत्मा की शांति के लिए सभी को पेट भर खिचड़ी, आलू का चोखा और अचार खिलाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। गाड़ी लेकर तो आपका बेटा ही आएगा, आते वक्त उससे कहना आते वक्त खिचड़ी और लंबे लंबे पापड़ भी खा के आए। हाँ, मेरा बेटा तो शहर गया हुआ है तो सामान लेकर कौन आएगा? अरे आज से तो एक नए लड़के को काम पे रखा है, दाल चावल सब उसी के हाथों भिजवा दूंगा। सुबह 5 बजे तक पहुंच जाएगा तो? अगर देर होगी तो बड़े साहब बहुत नाराज होंगे। क्या हुआ, जल्दी चलो। अरे रुको जरा, इससे और ज्यादा तेज में नहीं चल पाऊंगी। आओ आओ। ऐसा करने से क्या बीमारी ठीक होगी? चुप रहो तो, रोज सुबह सुबह उठ के मुझे पैदल चलना अच्छा नहीं लगता। अरे भाई तुम्हें शुगर की बीमारी है, सुबह सुबह नहीं चलोगी तो क्या तुम ठीक हो जाओगी? मर जाऊंगी तो, इससे बेहतर मरना ही है। क्यों जी, इतने सवेरे सवेरे किसके घर सामान आ रहा है? अरे किसके घर में क्या आया, तुम्हें क्या मतलब, तुम सिर्फ चलो चलो। ए, रुक 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 रुक। अच्छा यहाँ प्रताप चौधरी का घर कहाँ है? क्यों, प्रताप चौधरी के घर में जाकर तुम क्या करोगे? दरअसल ये सामान उनके घर जाएगा। ये सब किस लिए? आज प्रताप जी की पत्नी का श्राद्ध है तो इसलिए चावल दाल वगैरह सब जा रहा है, उनके घर में आज खिचड़ी और चोखा खिलाया जाएगा। आज प्रताप जी की पत्नी का श्राद्ध है? जी हाँ। तो ये कौन है? ये मतलब, ये प्रताप जी की पत्नी जीती जागती खड़ी है और इसके श्राद्ध का सामान तुम लेकर आए हो। दरअसल वो आपके घर से पूजा नाम की लड़की ने ही सामान लाने को कहा था। पूजा, चलो तो। पूजा, 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 ए पूजा। क्या हुआ पापा? श्राद्ध। श्राद्ध? किसका श्राद्ध? और किसका, तुम्हारी माँ का। 200 किलो अरवा चावल और 200 किलो मूंग दाल मैंने मंगवाई थी। तुम्हारी माँ को खिचड़ी बहुत पसंद थी ना, इसीलिए उसके श्राद्ध में खिचड़ी खिलाई जाएगी। ऐसा क्यों? आपने मुझे बुलाया बड़े साहब? सच सच बता तो पूजा, तू क्या चाहती है? मैं तो आप लोगों का भला ही चाहती हूँ। चुप, अगर भला चाहती है तो ये क्यों बोल कर आई कि ये मर गई है? अरे वाह, कल जब माजी ने कहा कि मैं मर जाऊं, वो सुनकर जब दीदी ने गुस्सा किया तब आपने ही तो कहा था कहने से कोई मर नहीं जाता, उसकी उम्र बढ़ती है। मैं तो आप लोगों को कुछ दे नहीं सकती, इसलिए माजी मर गई है कह के मैंने माजी की उम्र लंबी कर दी। क्या समझे,
पगली एकदम। कैसा लगा? क्या कह रही है रे? कहा आज वो मेरे साथ म्यूजिक क्लास में जाएगी। ये देख, मेरी होने वाली बीवी आ रही है। पता है आज नाच गाने का प्रोग्राम है उस मोहल्ले में। क्या हुआ, इसका क्या करेगी? रास्ते के कुत्तों को सबक सिखाने के लिए। कहाँ, यहाँ तो कोई कुत्ता नहीं है। आज दिख जाएगा। मैना, अरे पास तो आना। मैना मैना आना, मैना दिल का दरवाजा खुला है, आना आना। क्या हुआ, रुक क्यों गई? चल। मैना आना रे। अरे आना मेरे पास, आना। कुत्तों का भौंकना नहीं सुना? पकड़ो तो। देखो तो, तुम्हारे दिल का दरवाजा। दिल का दरवाजा? ये रहा दिल का दरवाजा। तुम्हारे दिल का दरवाजा तो चमड़े से छुपा हुआ है। चमड़े की चादर तो हटाओ। देखो दरवाजे के अंदर कितनी जगह है। इसको कैसे हटाऊं? मैं हटा देती हूँ। ये हटाएगी। आप ना चंद भैया बहुत अच्छे हैं। आप ही को मैं अपना जीजा जी बनाऊंगी। सच की रही है? हाँ सच्ची। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? हाँ, बोल 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 बोल। मैना दीदी को ना अमरूद बहुत पसंद है। आपको ना मैना दीदी को अमरूद खिलाना होगा, बड़े बड़े अमरूद। महिला के लिए ना मैं इतने सारे अमरूद लेकर आऊंगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे जुजू, अच्छे जीजू, चुन्नू मुन्नू। अगले रविवार को हमारा फंक्शन है। सुना है धनकपुर में भी उस दिन फंक्शन होगा। वो लोग हमें टक्कर देने के लिए शहर से कोई सिंगर ला रहे हैं? मैंने भी तय किया है। म्यूजिक हैंड्स लेकर गाती है, ऐसी एक सिंगर को मैं शहर से लेकर आऊंगी। गांव वालों से इस बार थोड़ा ज्यादा चंदा इकट्ठा करना होगा। शहर से सिंगर आ रही है सुनकर शायद सभी देंगे। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, शहर से जो सिंगर यहाँ आने वाली थी उन्होंने म्यूजिक हैंड्स तो भेज दिए पर खुद यहाँ आ नहीं पाई। उनके बदले आप लोगों के सामने गाना पेश करेगी हमारे गांव की लड़की मैना। आप लोग बात तो सुनिए। मैना तुम गाना शुरू करो, जाओ। दिमाग खराब है, देखिए सब कैसे चिल्ला रहे हैं। अभी गाना गाने जाऊंगी तो मारेंगे ये लोग। मैं समझ रही हूँ पर मैं अभी करूँ क्या? मेम साहब मैं गाना गाऊँ? आ पूजा, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। देख रही हो मैं एक मुसीबत में हूँ। मजाक नहीं मेम साहब, आप अगर अनुमति दे तो मैं गाना गा सकती हूँ। गाना गाना बच्चों का खेल नहीं है, गाने के लिए गाना सीखना पड़ता है। गाना तो मैंने सीखा है। गाना सीखा है? कहाँ से सीखा है बताओ। मैंने आपसे ही गाना सीखा है। मुझसे गाना सीखा है? हाँ, जब आप कमरे में सभी को गाना सिखाती थी तब बरामदे में बैठकर गाना सुन सुन कर मैंने सीखा है। सुन सुन कर सीखा है? आप चिंता मत कीजिए मेम साहब, आपके आशीर्वाद से आज मैं गांव का सम्मान बचाऊंगी ही। आप लोग शांत होकर बैठ जाइए, मैं इस गांव की ही बेटी हूँ, आज मैं गाना गाकर सुनाऊंगी। Oh,
अरे चंदू भैया ले आए कैसे? चलेगा, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। मैना को बुला, उसे मैं ये सारे दे के जाऊंगा। ये आप मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगी। तू देगी? मैं सोच रहा था कि। क्या सोच रहे थे? मैं उसे देना चाहता था। सुनिए चंदू भैया, मैंने ना उस दिन गलती से आपको अमरूद की बात कह दी थी। मैना दीदी को आम पसंद है, पका हुआ मीठा आम, अमरूद नहीं। पके आम? पके आम कहाँ से लाऊंगा, ये तो आम का सीजन नहीं है। जिसके लिए आप शादी के सपने देख रहे हैं, उसके लिए आप आम नहीं ला सकते। इसके लिए तो शहर जाना पड़ेगा। सुना है शहर के न्यू मार्केट में आम मिलता है। तो फिर देर क्यों कर रहे हैं, कल ही चले जाइए। मैना दी एक सुंदर साड़ी पहनकर आपके हाथों से पके हुए मीठे आम लेंगी। कल नहीं, इतना सब्र मुझ में नहीं है। मैं आज ही शहर चला जा रहा हूँ, तो मैना से कहना कि वो पीले रंग की साड़ी पहने, समझी? मैं चलता हूँ। अरे चंदू भैया सुनिए सुनिए सुनिए, ये मुझे देकर जाइए, देखती हूँ अगर दीदी खा ले। हाँ, तब मैं चलूं? अच्छा, मुसीबत टली। लो अमरूद खाओ, जब तक शादी नहीं होती तब तक चंदू भैया को पटाकर ये वो खाते जाओ। अब शायद शादी हो जाएगी। कुछ दिन पहले शिव हरी जी आए थे एक लड़के की बात करने। लड़का कौन है सुनो जरा? नकुल दत्त। नकुल दत्त, मतलब वो खुसट बुढ़ा जिसकी पिछले साल बीवी गुजर गई। हाँ। बड़े साहब इस शादी के लिए राजी हो गए? अभी तक राजी नहीं है, पर शायद हो जाएंगे। दहेज में कुछ देना नहीं पड़ेगा अगर मुफ्त में एक काली लड़की विदा हो जाए। कुछ देना नहीं पड़ेगा इसलिए उस बुढ़े के साथ? कल शिव हरी जी नकुल दत्त को लेकर आएंगे। पापा के पास पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं है, नकुल दत्त ने लालच दिखाया तो। तुम वो सब मत सोचो, इस शादी को तो मैं तोड़ दूंगी। कर पाएगी तो? नहीं करने का क्या है, आधा काम तो मैंने कर ही दिया है, बाकी का रविवार को कर दूंगा। आप सिर्फ साथ में कुछ रुपए पैसे ले जाइएगा, कहिएगा दहेज तो मैं लूंगा ही नहीं, जरूरत पड़ी तो शादी का खर्चा भी मेरा। मैना को उस दिन मेले में देखा था, बहुत अच्छी लगी थी। उस दिन से ही मेरे दिल में। क्यों रे, उसका बाप तैयार हो जाएगा ना? नहीं तो उपाय क्या है? अरे बेटी की शादी करवानी है ना। अरे आजकल क्या रुपए के बगैर शादी होती है? अरे उनके पास है क्या तो उस घर के अलावा? तब तो मैं और भी 10,000 रुपया जेब में लेके जाऊंगा। तब तो एक नई साड़ी भी ले जानी पड़ेगी। लड़की को साड़ी देकर शगुन करके लौटेंगे। इस उम्र में शादी कर रहा हूँ, कोई बखेड़ा तो खड़ा नहीं होगा। आसमान में आज बादल छाए हुए हैं। सुन, आज रात को बारिश होगी ही, और आज ही हमें ये काम करना पड़ेगा। किसको क्या करना है सुन लो। रविवार को मैना के घर गए तो मैं वो तो करता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे दिल पे हाथ रख के न,
नहीं, मैं अपने दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ मैं नहीं जाऊँगा। नहीं तुम जाना, लेकिन कहना कि तुम मैना से शादी नहीं करोगे और मैना की शादी का इंतजाम भी तुम ही करना। अच्छा, मैं इंतजाम करूँगा। हाँ, क्योंकि तुमने नजर डाली है मैना पर, और जब तक उसकी कहीं और शादी नहीं हो जाती मुझे शांति नहीं मिलेगी। ठीक है ठीक है, तुम जाओ। ठीक है मैं कर लूंगा, तुम जाओ। तुम्हारी तो शहर में बहुत जान पहचान भी है, एक महीने के अंदर मैना के लिए अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दो। रुपए पैसे कपड़े गहने जो लगेंगे वो तुम दोगे, समझ गए? वरना गर्दन मरोड़ दूंगी। मैं सब इंतजाम कर दूंगा, तुमने जो कहा मैं सब इंतजाम कर दूंगा। मैना की शादी हो गई तो मैं गाँव छोड़ कर चली जाऊंगी, वरना तेरी गर्दन मरोड़ दूंगी। अब आँख बंद करके राम नाम का जप कर, मैं अब जा रही हूँ। जरा रुक जाइए जीजा जी। यही आपके आने का वक्त है जीजा जी। मैना दी तो रो रो कर अपनी आंखों का बुरा हाल कर चुकी है। मैं अब तेरा जीजा जी नहीं बन पाऊंगा पूजा। क्यों? मैना दी थोड़ी काली है इसलिए आपको वो पसंद नहीं? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। ओ जीजा जी, तो फिर क्यों मेरी दीदी का दिल तोड़ रहे हो? कितना आस लगाकर बैठी आपको वरमाला पहनाएंगी, आपके साथ साथ फेरे लेंगी। मैं भी आप लोगों के साथ शहर जाती। जीजा जी ले चलेंगे ना, बोलिए ना। ओ जीजा जी, तू जरा इनको समझा के बोल तो, पता नहीं कैसा सपना देखा। सपना? ऐसा क्या सपना देखा? तुमसे मैं कितनी बार कहूँ हरिहर, वो सपना नहीं था। पता है जाने के टाइम मेरे कमरे में अमरूद की इतनी बड़ी डाली फेंक के चली गई, वो सपना था। ओ जीजा जी, क्या हुआ आप मुझे बताइए तो, ये मैना दीदी की जिंदगी का सवाल है। ये तू नहीं समझेगी, जो कहना है वो मैं तेरे साहब से कहूंगा। नहीं नहीं, विश्वास क्यों नहीं करूंगा, आप जब कह रहे हैं तब तो कोई ना कोई तो जरूर थे। ए, कोई ना कोई क्या कह रहे हैं? विभाई आई थी। अरे आके मुझे उसने कितना धमकाया। अरे जिसके साथ मैंने इतने साल परिवार बसाया और मैं उसको पहचान नहीं सकूंगा। तो फिर अब आप क्या करेंगे? क्या करूंगा मतलब? मैं विभा के हुक्म का पालन करूंगा। मैं आज ही कलकत्ता जा रहा हूँ, मैना की शादी जब तक न हो जाए मुझे शांति नहीं मिलेगी। शादी तो करवाएंगे लेकिन लड़का? वो मैंने तय कर लिया है, कलकत्ते में मेरे बचपन का दोस्त है निवारण, निवारण का मझला बेटा, उसकी तो शादी की उम्र हो गई है, उसी के साथ करवाऊंगा। लड़के के घर में कौन कौन है? एकदम साफ सुथरी फैमिली है, बाप और तीन बेटे। बड़े बेटे की शादी हो गई है, उसी की बीवी घर संभालती है, मझले बेटे से शादी होगी, छोटा बेटा इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग पता नहीं क्या करता है, बहुत अच्छी फैमिली है। लेकिन मैं तो शादी में कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, वो लोग क्या मैना से? अच्छा आप इस बारे में क्यों सोच रहे हैं? मैं अगले संडे को निवारण को लेके आ रहा हूँ, आप बस मैना को जरा जरा अच्छे से तैयार करके रखिएगा। ए मैना दी, ये शादी भी तुड़वा दूं? तुम्हारे तो बहुत मजे हैं, पर मैं जो यहां अकेली हो जाऊंगी तो तुड़वा दे? बिल्कुल नहीं, इतना अच्छा लड़का मिला है। निवारण,
अच्छे से देख लो। अरे तुमने जब लड़की देखी है वहाँ हमें देखने की क्या जरूरत है, हाँ क्यों? पर लड़की बहुत काली है। तो तुम्हारे देवर का रंग भी तो इतना कुछ गोरा नहीं है। काली काली तो अच्छी है, काली घर की लाली, कृष्ण काले, काली माँ काली, बादल काले, बाल काले, काली है पर अच्छी है। पर मुझे लड़की पसंद है। अरे वाह, फिर तो कोई बात ही नहीं है। बहू तुम्हें अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। तुम्हें खाना बनाना आता है? अरे सिर्फ खाना पकाना है क्यों, बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर साफ करना, सब तो यही करती है। नहीं नकुल चाचा, आप गलत समझ रहे हैं। घर में मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, खाना पकाती है माँ और घर के सारे काम। यहाँ कौन करता है ये जानने से हमें मतलब नहीं। तुम सिर्फ बोलो, हमारे घर में सारा काम कर पाओगी तो? मेरी बात का बुरा मत मानना बेटी, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है घर के लिए बहू नहीं तुम घर के लिए नौकरानी खोजने आई हो। समधन जी, जब मेरे बेटे को लड़की पसंद आ गई है तब हमें कोई एतराज नहीं है। आप इसे ले जाइए, हम तब तक जरा लेन देन की बात कर लेते हैं। निवारण, अब जरा खुल के बताओ तुम्हें क्या क्या देना होगा, बताओ। वो तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया भाई, नगद 20,000 रुपए और 10 तोले गहने। 20,000? हाँ। इतने सारे पैसे? अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए। कितने रुपए? 20,000 तो ये लो, ये रहे रुपए 20,000, और गहने वो तो हम लोग लड़की को शादी के दिन पहना देंगे। आराम से तंबाकू पी रहे हो, इधर नकुल बाबू अभी तक तो गहने लेकर नहीं आए। पीली पीली हल्दी तेरे चेहरे पे सोहे, प्यारी लगे दीदी कितनी हर कोई कहे, चूड़ियां हाथों में सर पे साड़ी सजे रे, दीदी सुंदर लगे रे। शादी, शादी का मौसम आए रे सखी, झूमो नाचो गाओ।
की है शादी, अरे झूमो नाचो गाओ, शादी का मौसम आया जैसे कि झूमो नाचो गाओ। देखो विभा, तुमने जो मुझे कहा था मैं वही कर रहा हूं। तुम्हारे सारे गहने उसे पहनाकर मैं खुद खड़े होकर मैना की शादी करवाऊंगा। अब खुश हो तो ठीक है। चल चल अंदर चल। कौन है? देखिए साहब, देखिए, पेड़ से अमरूद तोड़ रहे थे और ऊपर से कह रहे हैं जो किया ठीक किया। ठीक किया है? हाँ ठीक किया है। पूजा दीदी ने कहा है कौओ के खाने से पहले अमरूद हम लोग खा लें। पूजा दीदी ने कहा है? पूजा दीदी कौन होती है? पेड़ क्या पूजा दीदी का है? गलती करके माफी मांगनी चाहिए। और ये माफी क्यों मांगूंगा? पूजा दीदी ने कहा है बिना कसूर के माफी नहीं मांगनी चाहिए। वाह, ये तो बड़ा महान पुरुष है। एक थप्पड़ मारूं तो धूल चाटने लगेगा। भाग भाग यहां से। मार कर देखिए ना, पूजा दीदी को जाकर कहूंगा वो फिर से आपके घर में आकर आपको भूत बनकर डराएगी। और मैना की शादी का इंतजाम भी तुम ही करना। तुमने जो कहा मैं सब इंतजाम कर दूंगा। हम लोग भी उस दिन पूजा दीदी के साथ थे। पूजा दीदी जब खिड़की के सामने खड़े होकर आपको डरा रही थी तब हम लोग खिड़की में धक्के मार रहे थे। आप हमें छोड़ने के लिए कहिए। तू इन लोगों को छोड़ के प्रताप बाबू को बुला। तू नहीं नहीं मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ गया हूं। क्या लेने? ये गहने लेने? हाँ, आपको देर हो रही थी इसलिए। भूत कहाँ है? भूत कहाँ है? आज तुझे जान से मार दूंगा। तूने समझ क्या रखा है? तू मैना की जिंदगी बर्बाद करने चली थी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बता, तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। बर्बाद कर दी मतलब? तूने भूत बनकर नकुल दत्त को नहीं डराया था? भूत बनकर डराया था तभी तो ये शादी हो रही है। नकुल चाचा ने गहने दिए, पैसे दिए। गहने उन्होंने नहीं दिए। नहीं दिए? नहीं, सिर्फ उन्होंने गहने देने से इनकार नहीं किया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया ये शादी वो होने नहीं देंगे, ये शादी वो तोड़ देंगे। शादी तोड़ देंगे? शादी तोड़ने वाले वो कौन है? वो कह रहे थे कि लड़के वालों की गाड़ी हमारे गांव में घुसने से पहले वो पुल के बाहर से ही वापस लौटा देंगे। वापस लौटा देंगे? हाँ, हो सकता है शायद वो पुल के पास पहुँच चुके हो। अगर आज बारात वापस लौट गई तो आज मैं नकुल दत्त को भी नर्क पहुँचा दूंगी, नहीं तो मेरा नाम पूजा नहीं। जल्दी कर।
जा, हट जा मेरे सामने से। हट जाऊं? भेजती हूँ तुम्हें, रुको। उस दिन भूत बनकर डराया था, आज डराऊंगी नहीं, आज तुम्हें ही भूत बना दूंगी। अगर आज बारात नहीं आई, दीदी की शादी टूट गई, तो तुम भी नहीं बचोगे नकुल दत्त। ड्राइवर को गाड़ी पीछे करने बोलो, बोलो पीछे करो गाड़ी, पीछे लो गाड़ी, पीछे करो। अरे बारात आ गई तो भी शादी नहीं होगी, लड़के का बाप एकदम अड़ियल है, 10 तोले सोने नहीं दिया तो शादी होगी? पहले देखेगा कि कहने सही है कि नहीं, उसके बाद शादी, ठीक है? दिखाओ बेटी, जरा अपने गले का नेकलेस दिखाना, नेकलेस कैसा है मैं जरा देखूं। क्या हुआ बेटी, दिखाओ अपना नेकलेस। ये क्या, गले में सिर्फ पतली सी चेन, नेकलेस नहीं है? इसीलिए साड़ी से ढक कर रखा था। साड़ी से तो सच को छुपाया नहीं जा सकता ना, सबके सामने अपने हाथ से साड़ी को जरा हटाना बेटी, देखो जरा तुम्हारे पिताजी ने कितने कंगन दिए हैं। क्यों भाई साहब, दिखने में तो आप शरीफ लगते हैं, पर मुझे धोखा क्यों दिया आपने? मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, 1 महीने के अंदर मैं सारे गहने आपके घर पहुँचा दूंगा। शादी तो तय हुई थी 3 महीने पहले, अभी तक अगर गहनों का इंतजाम नहीं कर पाए हैं, लड़की को एक बार हमारे सर थोप देंगे, फिर गहनों की बात आपको याद रहेगी। ओह भाभी रहने दीजिए ना, बस भैया आ ही रहे हैं, और आकर अगर देखेंगे कि गहनों की वजह से शादी रुक गई है, तब वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। क्यों, गुस्सा क्यों होंगे, हमने क्या कुछ गलत कहा है? नहीं नहीं बेटी, तुम कैसे गलत कह सकती हो, गलत तो मैंने किया है तुम लोगों के साथ, फिर भी विश्वास करो बेटी। आपकी कोई भी बात हमें नहीं सुननी, गहने नहीं मिले तो शादी नहीं होगी, आप जहाँ से भी हो गहने लेके आइए, वरना बारात वापस जाएगी। जाइए, ले जाइए अपने बेटे को, भिखमंगों के परिवार में मेरी दीदी नहीं जाएगी। उठो चलो दीदी, चलो। पूजा तुम्हारी इतनी हिम्मत, कौन है ये लड़की? ये बचपन से ही हमारे घर में रहती है, इसकी माँ मेरे घर में काम करती थी। मतलब नौकरानी की बेटी? नौकरानी की बेटी तो नौकरानी ही होगी। हाँ, जैसे नौकरानी की बेटी नौकरानी, वैसे भिखारी का बेटा भिखारी, और एक भिखारी के बेटे के साथ दीदी की शादी नहीं हो सकती। उठ जाओ दीदी। पूजा तू जा यहाँ से। रुक जाइए, गांव के बाजार में ये शहर का बकरा कितने रुपए में बिकता है ये देखती हूँ। पूजा तू यहाँ से जाएगी? घर की नौकरानी की इतनी हिम्मत, देवर जी को बकरा कह रही है? आपका ये देवर बकरा नहीं तो और क्या है, इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और फिर भी ये चुपचाप बैठा हुआ है। अगर दीदी की जगह मैं होती तो लात मारकर यहाँ से चली जाती। क्या बकवास कर रही है, जा यहाँ से, जा। अरे वो दीदी भैया आ गए। उठो उठो उठो। हाँ, तुम गिर कैसे गई? मैंने सच कहा इसलिए, बड़े साहब ने मुझे धक्का दे दिया। कैसा सच, अभी तक शादी क्यों नहीं शुरू हुई? शादी शुरू कैसे होगी, अभी तो दामदर चल रहा है। दामदर? देखो ना कैसे लोग हैं ये, 10 तोला गहने देने की बात हुई थी, उसके बदले इन्होंने एक पतली सी चेन दी है और कुछ भी नहीं। नहीं दिए हैं देंगे, जरूर कोई दिक्कत होगी, इसके लिए शादी क्यों रुकी है? इसके कंधे से हाथ हटाओ, ये इस घर की नौकरानी है। नौकरानी? वाकई? वाह, गांव की नौकरानी तो शहर की मेकअप वाली बीवी से ज्यादा खूबसूरत लग रही है। इश, पहले पता होता तो तुमसे कौन शादी करता, गांव की एक खूबसूरत नौकरानी से शादी करता। तुम बात को कितनी भी घुमाने की कोशिश करो, कहने नहीं मिलेंगे तो ये शादी नहीं होगी। चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं? मेरी शादी के वक्त तो तुम्हारे पापा ने 30 तोला सोना और 30,000 नगद लिए थे, तो घर जाकर वो सब वापस कर देना। अभी भी अगर तुम चुप नहीं हुई तो उस पैसे और जेवर के साथ तुम्हें भी मायके भेज दूंगा। क्या, इतनी बड़ी बात? पिताजी आप ऐसे क्यों चुप हैं? कुछ कहेंगे नहीं? पापा अगर आपको कुछ कहना है तो घर चलकर कहिएगा, गांव के लोग शहर के लोगों की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, इनके सामने अपने आप को छोटा मत कीजिए। तो फिर गहने? गहने गहने गहने,
लग रहा है वो गहने अगर आपको ना मिले तो आपके घर में खाना नहीं पकेगा। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। अरे अरे रहने दो, अचानक तुमने प्रणाम किया? प्रणाम नहीं, सर झुकाया। गांव ने शहर के सामने सर झुकाया है, मैं इतनी आसानी से सर नहीं झुकाती। नाम क्या है तुम्हारा? पूजा। आप क्या ढूंढ रहे हैं? अरे मेरा जूता कहाँ गया? के पाँव की चप्पल कहाँ गई? खोजो सखी खोजो ना सारा खोजो ना। जीजा जी के पाँव की चप्पल कहाँ गई? खोजो सखी खोजो ना सारा खोजो ना। रात में थी गई कहाँ कहाँ गई उड़ के वो, देखो ना जरा देखो ना, खोजो ना जरा खोजो ना। खड़ी क्यों हो तुम सब, देखो ना जरा देखो ना। पीछे क्यों घूमूं? घूमना जरा। देखो घूम गई, चलेगा? नहीं पूरा घूम। अब चलेगा तो? नहीं नहीं पूरा घूम जा, घूमना। आ,
आपने तो कहा था शादी रोक देंगे, मगर शादी तो हो गई। हो गई? हाँ, सिर्फ हुई नहीं बल्कि बहुत धूमधाम से हुई। 10 तोला सोना कहाँ मिला? बाद में दे देंगे, कहाँ है? है? उधार में मैना की शादी हो गई? नहीं होती, आपके ही प्लान से तो काम हो रहा था, मगर बीच में वो साला दूल्हे का बड़ा भाई टपक गया। उसी साले ने तो सबको डांट डूट के बिल्कुल चुप करवा दिया। अरे मैं तो आराम से बैठा था कि शादी टूटने के बाद ही मैना से शादी करेंगे। हाँ, मेरी तो यही इच्छा थी। वो जो मैंने 20,000 रुपए दिए थे ना, उस 20,000 रुपए के बदले ठेंगा दिखा दिया तो? हाँ, तो दिखाया। और इन सब के बीच आपका 20,000 पानी में चला गया। अरे उतना आसान नहीं है, मेरा नाम नकुल दत्त है, इतनी आसानी से मैं पैसे छोड़ दूंगा? पैसे तो मैं सूद समेत वसूल करूंगा। वो तो आप वसूल लेंगे, पर दोस्त के बेटे के रिसेप्शन में नहीं जाएंगे? नहीं, किस मुंह से उसके घर जाऊं? ये क्या माँ जी, आप लोग नहीं जाएंगे? मैना दी तो आस लगाकर बैठी होगी। रहने दे, गहने नहीं दे पाए हैं इसलिए उसके ससुर ने एक बार भी जाने के बारे में नहीं कहा। क्यों कहूं, जिसने हमें धोखा दिया उसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो लड़की वालों की तरफ से रिसेप्शन में कोई नहीं आएगा? नहीं, मैना के बारे में एक बार भी नहीं सोचिएगा। उसके बाप ने नहीं सोचा तो हम क्यों सोचें? मैना अब उस घर की बेटी नहीं है पापा, इस घर की बहू है। उसके सुख दुख के बारे में हमें ही सोचना होगा। हमारे हाथ में अब इतना वक्त नहीं है कि अब हम एक भिखारी की बेटी के बारे में सोचें। भिखारी? और नहीं तो क्या? आपने कभी भिखारी देखा है? नहीं देखने का क्या है, राह चलते बहुत भिखारी देखे हैं मैंने। वो लोग कैसे भीख मांगते हैं बोलिए तो? और कैसे, इस तरह से? हाँ, मैंने भी भिखारियों को ठीक ऐसे ही हाथ फैलाते हुए देखा है। चलता हूँ। अच्छा पापा, आपने जब मैना के पिताजी से 20,000 रुपए लिए थे, आपने कैसे हाथ फैलाया था याद है? क्यों नहीं होगा, इस तरह से। हाँ, रास्ते के भिखारी भी बिल्कुल ऐसे ही हाथ फैलाते हैं। हाथ छुपाने से क्या होगा पापा, नियत तो नहीं छुपा सके। सिर्फ आप अकेले ही नहीं पापा, हमारे देश के ज्यादातर लड़कों के बाप ही कितना भी शराफत का चोला क्यों ना पहन ले, लड़के की शादी के मामले में बिल्कुल भिखारी बन जाते हैं। गरीब भिखारी भीख मांगता है अपना पेट पालने के लिए, और आप लोग भीख मांगते हैं अपने स्टेटस के लिए। भिखारियों का भी स्टेटस? रोकर कोई फायदा नहीं है, अपने पापा को चिट्ठी लिख दो ताकि वो एक महीने में सारे गहने दे दे। तुम कुछ देर के लिए बाहर जाओ तो अजय, जो करना है हम करेंगे। आइए पिताजी। हाँ, आ रहा हूं। बहुत नौटंकी हो गई, अब अपने मायके से जो सूटकेस लेकर आई हो वो खोल कर दिखाओ जरा। कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है पिताजी। हाँ, ये बात तो है। सुनो, ये सब हम ले जा रहे हैं, तुम्हारे पिताजी जब गहने देंगे तब ये सब ले जाना, समझी? ये सब क्या सोने के हैं? पता था, पर ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। सुनो, मैं कुछ साड़ियां तुम्हें भेज रही हूं,
उनमें से कोई एक पहन के ये साड़ी मेरे कमरे में दे आना, समझी? चलिए पिताजी। इनके बदले में बर्तन लेने की सोच रही थी। ये देखिए, तो यही दे देती हूँ। हाँ दिखाओ। ठीक है ना? हाँ हाँ, एक धोखेबाज की बेटी इससे ज्यादा और क्या पहनेगी। जाओ ये सब देके वो वाली साड़ी लेके आओ। दस तोले गहने के लिए पापा ने मजली भाभी के परिवार के साथ जिस तरह से बर्ताव किया, अब तो मुझे मजली भाभी के सामने जाने में भी शर्म आ रही है। इसका मतलब तू हमें भाभी से नहीं मिलवाएगा? अरे कम से कम भाभी को समझा दे कि तू भाभी और अपने पिताजी की टीम में नहीं है। चल तो फिर चलते हैं। मजली भाभी, मेरे दोस्त लोग आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। मजली भाभी तुम उन लोगों को यहां से ले जाओ। क्यों, आप एक बार मुड़ नहीं सकती हैं? क्या हुआ मजली भाभी, इस तरफ देखिए। ऐसी फटी हुई साड़ी आपने क्यों पहन रखी है? इससे अच्छी साड़ी मेरे पास नहीं है, इसीलिए। आपके पापा ने गहने नहीं दिए मैं जानता हूँ, लेकिन आपको देखकर लग रहा है कि उन्होंने आपको एक साड़ी भी नहीं दी है। मजली भाभी, आपको ये जानना जरूरी था कि इस मोहल्ले में हमारी बहुत इज्जत है। ऐसी एक पुरानी फटी हुई साड़ी पहनकर हमारा इस तरह से अपमान करने का आपको कोई भी अधिकार नहीं है। शादी में जो साड़ियाँ मिली थी वो कहाँ है सब? आते समय क्या आप अपनी माँ को देख रही हैं? पापा मुझे गहने नहीं दे पाए, ये सच है। तो क्या तुम लोग ऐसे बारी बारी आके मुझे अपमानित करोगे? हम लोग अपमान कर रहे हैं? हम लोग गरीब हैं, बहुत गरीब। तो क्या सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है हमें? तुमने सोचा भी कैसे मेरी माँ मेरी साड़ियाँ ले लेगी? तो फिर साड़ियाँ सब गई कहाँ? तुम्हारे पापा से जाकर पूछो। उसकी सारी साड़ियाँ तेरी बड़ी भाभी के पास है। मजली भाभी की साड़ी बड़ी भाभी के पास क्यों है? मुझसे ना पूछ के अपनी मजली भाभी के बाप से जाके पूछ। दूंगा कह के उन्होंने गहने क्यों नहीं दिए? पापा ने गहने नहीं दिए तो बेटी की सारी साड़ियाँ छीन ली आपने? अभी तो सिर्फ साड़ियाँ छीनी है, रिसेप्शन के बाद देखना उन गहनों को मैं कैसे सूद समेत वसूलता हूँ। बाप रे, पता नहीं कैसा बूढ़ा है ये। कुछ कहा? नहीं, जो कहना है बड़े भैया आकर कहेंगे। कहाँ है तेरा भैया? तुम कुछ बुरा मत मानना बेटा, जब तक मैं वो गहने तुम्हारे पापा को दे नहीं देता तब तक मैं तो तुम्हारे घर जा भी नहीं सकता। नहीं, वो कह रहा था कि एक बार अपनी बेटी के बारे में सोच के तो चलिए। मैना भी कभी नहीं चाहेगी कि उसके ससुराल में उसके पिता का सर झुक जाए। तुम्हारी तरह देवतुल्य जेठ मिले हैं उसे, बेटी को लेकर अब हम लोगों को कोई चिंता नहीं है। पर मैं बहुत उम्मीद लेकर आया था। तुम समझदार लड़के हो, तुम जरूर समझ रहे हो कि हम लोग कितने मजबूर हैं। मैना से कहना हम लोग अच्छे हैं, हमारे बारे में चिंता ना करके अपने घर परिवार में अपना मन लगाए। तो फिर मैं चलता हूँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। ठीक है बेटा, ठीक है। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं बेटा? नहीं नहीं, बुरा क्यों मानूंगा, बोलिए बोलिए। मैना की विदाई के बाद उसके चाचा ने आकर एक साड़ी दी थी, तुम वो साड़ी अपने साथ ले जाओगे बेटा? उससे कहना उसके मजले चाचा आकर उसके लिए दे गए हैं। वाह, बहुत सुंदर साड़ी है। तो जाओ मैना को देकर आओ, कहना उसके चाचा जी ने उसे दी है।
अरे क्या हुआ? अलमारी क्यों खोल रही हो? साड़ी रखने के लिए। मैना की साड़ी तुम क्यों अपनी अलमारी में रखोगी? उसकी सारी साड़ियाँ मेरी अलमारी में ही है। उसकी साड़ियाँ तुम्हारी अलमारी में क्यों? मैंने कहा है। आपने कहा है? हाँ। उसका धोखेबाज बाप जब तक गहने ना दे दे तब तक एक भी साड़ी उसे नहीं मिलेगी। धोखेबाजी में तो आप भी कम नहीं है पापा। क्या कहा? मैं धोखेबाज हूँ? और नहीं तो क्या? अजय की शादी के वक्त आपने कहा था वो बीए पास है, बिजनेस करता है, ये धोखेबाजी नहीं? दसवीं पास उस बेकार लड़के के लिए आपने हाथ फैलाकर 20,000 रुपए लिए थे, ये धोखेबाजी नहीं? आपने मैना की साड़ियां ले ली है, अब अगर मैना के पिताजी आकर आपके बेटे की पैंट खोल ले क्या आप कुछ कर पाएंगे? दो मुझे साड़ियां दो। अरे उधर क्या देख रही हो, मुझे साड़ियां दो। घर भेदे विभीषण, दे दो साड़ियां। रुक रुक जाइए पापा, अगर अपनी बड़ी बहू को साड़ी देने का इतना ही शौक है, मैना के घर से धोखेबाजी करके जो पैसे लाए हैं वहां से पैसे लेकर 2-4 साड़ियां खरीद दीजिएगा, इससे आपका ये विभीषण पुत्र बहुत खुश होगा। बैठी क्यों हूँ, जाकर देखो ना कौन आया है। अगर कोई बाहर का आदमी हुआ ऐसी साड़ी पहन के। क्यों शर्म आ रही है? पूरे घर के सामने जब वादा करके भी तुम्हारे पिताजी ने गहने नहीं दिए, अगर तब तुम्हें शर्म नहीं आई तो लगता है तुम्हारे अंदर शर्म नहीं है। नौटंकी मत करो, जाओ दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूं, घूंघट ओढ़ने की जरूरत नहीं है। इसे अलमारी में रख देना। पापा ने साड़ियां लौटा दी, इसका मतलब आप उस घर से गहने लेकर आए हैं। इसमें से अपनी पसंद की साड़ी पहन के मेरे कमरे में आ, कानों में झुमका मैं पहना दूंगा, गधा कहीं का। तेरी नजरों के सामने तेरी भाभी और पिताजी आकर साड़ियां लेके चले गए और तूने कुछ नहीं कहा। सच का साथ देने के लिए तो पढ़ाई की जरूरत नहीं है, अगर काट नहीं सकता तो भौंक तो सकता है। अगर अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचा सकता तो नाचते हुए शादी क्यों करने गया था? अपनी भाभी के लिए नौकरानी लाने? उल्लू का पट्टा। भैया की बातों पर उछलना मत, नौकरी छोड़कर वो तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। भाभी और पापा जो कहेंगे वही सुनना, वो लोग जो करने को कहेंगे वही करना, समझी? अरे तुझे क्या हो गया है रे पूजा, एक भी कप नहीं तोड़ रही है। अब कप क्या तोड़ूंगी माँ जी, मेरा तो दिल ही टूट गया है। दस दिन हो गए पर मैना दीदी की कोई खबर नहीं, पता नहीं कैसी होगी, क्या कर रही होगी। मेरी 2 साड़ियां धोने के लिए कहा था ना। ये काम खत्म करके ही धो देती हूँ। बाद में झाड़ू लगाना, पहले मेरी साड़ियां धो दो। पहले तो आप साड़ी लॉन्ड्री में धुलवाती थी और अब घर में धुलवा रही हैं। इसका मतलब भैया को कंगाल कर दिया। भैया क्यों कंगाल होंगे, इसके पिताजी ने अभी तक गहने नहीं दिए। 10 तोले गहने की कीमत कम से कम 50,000 होंगी, वो सारा पैसा ऐसे काम करवा के वसूल करूंगी। जो खाना बनाती थी उसे भी निकाल दिया, काम करने वाली बाई को भी निकाल दिया, और कितना अत्याचार करेंगी आप मछली भाभी के ऊपर। जब तक 50,000 रुपए वसूल नहीं होते इसका हिसाब कौन रख रहा है? क्यों, मैं रख रही हूँ। आप?
हाँ आप तो कर ही सकती हैं। जो नौकरानी ये काम अच्छे से जानती हो, हिसाब तो अच्छी तरह से वही रख सकती है। सुनने में आया है कि शादी से पहले आप नौकरानी यूनियन की सेक्रेटरी थी, इसीलिए उनका रेट अच्छी तरह से आपको मालूम है। क्या कहा? कह रहा हूँ अच्छा है कि मझली भाभी मझले भैया की बीवी है, इसलिए ये बर्दाश्त कर रही है सब कुछ। अगर मेरी बीवी को आप परेशान करती ना। क्या क्या करते तुम? सिर्फ साड़ी ही नहीं, साड़ी के साथ साथ आपको भी गर्म पानी से अच्छी तरह से धो देता। और हाँ, सर्फ से नहीं, वो गोल गोल साबुन आता है ना, वो कनपुरिया साबुन जो गोल गोल आता है ना, उससे बढ़िया से रगड़ रगड़ के धोता आपको। उसके बाद धोबी की तरह उठाता और पटकता, उठाता पटकता। दीदी जी, आने दो आज तुम्हारे भैया को। क्या करेंगी, कंप्लेन? बड़े भैया मझले भैया की तरह बेवकूफ नहीं है कि आपकी बात सुनकर आएंगे मुझसे बहस करने के लिए। क्या कहा? अजय बेवकूफ है? तुम्हारे और भाभी के सामने चंदन ने मुझे बेवकूफ कहा? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ इंसान हूं? चुप मत रहो, जवाब दो। जब अगर तुमने विरोध नहीं किया तो फिर विरोध मुझे करना होगा, मार के उसकी खाल खींच लूंगा। हट जाओ। नहीं, तुम देवर जी को कुछ नहीं कहोगे। वो मुझे जो चाहे कहेगा और मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैंने विरोध नहीं किया और चुप रही। तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दो, मैं सब सह लूंगी। जो सजा दूंगा वो तुम सहलोगी? हाँ। सिंदूर की कसम खा के कहो। इसमें सिंदूर छूने की क्या बात है? मैंने कहा ना, तुम जो सजा दोगे। सिंदूर छूने में दिक्कत क्या है? लो, मैंने छू लिया, अब बोलो। जब तक मैं तुमसे ना कहूँ तुम चंदन से बात नहीं करोगी, उसके बात करने पर भी नहीं। लेकिन, और ये बात उसे पता ना चले कि मैंने तुम्हें ये करने को कहा है। तुम्हें चाहे जितना भी दुख हो, लेकिन ये बात याद रखना, तुमने अपनी मांग का सिंदूर छूके मुझसे वादा किया है। मझली भाभी, ओ मझली भाभी, ओ मझली भाभी। अजीब बात है, आवाज क्यों नहीं दे रही है? क्या हुआ आपको? तब से आवाज दे रहा हूं, सुन नहीं रही हैं आप? एक कप चाय मिलेगी? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? आप मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रही हैं? क्या हुआ है? क्या हुआ, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? धत, मुझे नहीं चाहिए आपकी चाय। नया कप टूट कैसे गया? क्या हुआ, चुप क्यों हो? हाथ से फिसल कर गिर गया। किस लाड साहब की बेटी हो तुम कि ये कप ठीक से पकड़ा नहीं जा रहा है? अपने बाप को चिट्ठी में लिख देना, जिस दिन 10 तोले सोने लाएंगे उस दिन तुम्हारे तोड़ने के लिए 10 कप प्लेट भी साथ में ले आए। मेरी गलती आपने अपने ऊपर क्यों ले ली? क्या हुआ, बोलिए। मैं इस मामले में क्या कहूँ, नगद 20,000 रुपये देने पड़ेंगे, यही सुनकर तो मैंने मना कर दिया था, पर आपने ही तो बैग से झट से पैसे निकाल कर दे दिए। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कुछ गलत किया? देखिए, आपकी बेटी काली है, तो अगर उसकी किसी अच्छी जगह शादी हो जाती, इसीलिए मैंने किया। और शादी के दिन आप गहने ना देकर उसी शादी को आप तोड़ना भी चाहते थे। आप ही कहिए ना, गुस्सा नहीं आएगा? आपकी पूजा ने भूत बन के मुझे डराया, धोखा दिया। रहने दीजिए, पुरानी बातों को सोचकर कोई फायदा नहीं। मुझे महीने भर का समय दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा नकुल जी।
बड़े साहब, मैना के लिए 10 तोले गहने देने पड़ेंगे और 20,000 रुपये का इंतजाम भी करना पड़ेगा। जरा परेशानी ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी? इस बारे में आप लोग बिल्कुल मत सोचिए, मेरे पास कुछ नहीं लेकिन ये घर तो है। मैं कह रहा था कि आपके हाथ में, मतलब आपकी मुट्ठी में कर्ज से छुटकारा पाने का इतना आसान तरीका है, इसके लिए आप अपना घर क्यों बेचेंगे? आसान तरीका? आप लोगों का आसान तरीका क्या है जरा बताएंगे? मैं पत्रिका देख के एक अच्छा सा दिन तय कर देता हूँ। आप हमारे नकुल बाबू के साथ पूजा की शादी करवा दीजिए। पूजा की शादी? क्या कह रहे हैं आप लोग? देखिए, आपकी पूजा ने मेरी बीवी बनकर मुझे डराया, ठीक है? अब उसे मेरी बीवी बनने का इतना ही शौक है, तो उसका शौक पूरा कर दीजिए ना। दामाद के नाते नकुल बाबू आपकी हर मुसीबत में खड़े रहेंगे। 20,000 रुपए तो आपको देने होंगे ही नहीं, बल्कि जितना चाहिए उतना सोना लेके आप मैना के ससुराल में सर ऊंचा करके खड़े रहिएगा। इससे आपकी बेटी भी सारी जिंदगी सुखी रहेगी। सुनिए, पूजा की माँ को मरते वक्त मैंने उससे वादा किया था कि पूजा मेरे घर में बेटी की ही तरह बड़ी होगी। मैना को सुखी बनाने के लिए इनके साथ पूजा की शादी करवा के मैं पूजा की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। इसके लिए अगर मैना को सारी जिंदगी दुख झेलना पड़े तो झेलेगी। देखिए, मैं सिर्फ आपकी भलाई के लिए अपने फायदे की परवाह न करते हुए आपकी नौकरानी से शादी करने को तैयार हो गया। आपकी ये उदारता मुझे याद रहेगी। हाँ, और इस बात को याद रखने के चक्कर में मेरे पैसे मत भूल जाइएगा। मैंने कहा तो आपके पैसे आपको जल्द ही मिल जाएंगे। मिल तो जाएंगे, पर कब मिलेंगे? 1 महीना तो हो गया। और कुछ दिन इंतजार कीजिए ना। देना होता तो अब तक दे देते। मैं कह रही हूँ पिताजी, वो गहने कभी नहीं मिलेंगे। मिलेंगे, मैं आज ही पापा को चिट्ठी भेज देती हूँ। बहुत रात हो गई, सो जाओ। तुम पहले सो जाओ, मुझे सोने में आज देर हो जाएगी। मुझे पता है मेरी वजह से तुम्हें नींद नहीं आती है। वो लोग मुझसे दिन रात काम करवाते हैं। तुम नौकरी नहीं करते हो ना, इसीलिए कुछ कह भी नहीं सकते। सच कह रही हूँ, काम करने में तकलीफ नहीं होती है मुझे। दुख तो तब होता है जब मुझे तकलीफ में देखकर तुम्हें तकलीफ होती है। तुम सोने की कोशिश करो, तुम्हारे सो जाने के बाद पापा को एक चिट्ठी लिखना है। क्या लिखा है चिट्ठी में मैना ने? बताओ ना, क्या लिखा है मैना ने? मैना दीदी कैसी है? हुक्का जरा बना कर ले आता। मैना दीदी कैसी है माँ जी? मेरे बारे में कुछ लिखा है?
तू कैसी है पूछा है उसने। और क्या लिखा है? सारी बातें तुझे बतानी पड़ेंगी क्या? तू जा तो यहाँ से। सुनिए ना, और देर मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सके ये घर बेचकर गहने उन्हें दे दीजिए, नहीं तो काम करते करते मैना मर जाएगी। मैं थोड़ी हेल्प कर दूं क्या? पानी में भर दूं? क्या बात है बोली तू? बहुत ही से देख रहा हूं आप मेरे साथ बात नहीं कर रही हैं, मेरे किसी भी बात का आप जवाब नहीं दे रही हैं। मैंने क्या कोई गुनाह किया है? आप मेरी भाभी हैं, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे मारिए, लेकिन इस तरह से चुप मत रहिए प्लीज। नहीं, आज आपको बताना ही होगा कि क्यों आप मुझसे बात नहीं कर रही हैं। बोलिए बोलिए, मैंने क्या गलती की है? नहीं तो मैं आपको काम नहीं करने दूंगा। क्या हो रहा है चंदन, उसे काम करने दो। ये लो, आ गई महिला नारद मुनि। अरे जाइए ना, जाकर सोइए ना। बोलिए क्यों आप मुझसे बात नहीं कर रही हैं? दीदी इसे कह दीजिए मुझे बहुत काम है। ठीक है, तो मैं भी कह रहा हूं जिंदगी में कभी भी आपसे बात नहीं करूंगा। आप लाख कोशिश भी करेंगी फिर भी मैं आपसे बात नहीं करूंगा। देवर भाभी की रासलीला चल रही है, अजय को पता है? आप ये सब देखती रहती है? हाँ, मैं तो घर का कोई काम ही नहीं करती, पर पूरे दिन आराम ना करके मैं मैना के पीछे लगी रहती हूँ। वो एक काम खत्म करे उससे पहले दूसरा काम उसे थमाकर बाद में क्या काम सौंपूंगी वो सोचने लगती हूँ। मैना कुछ कहती नहीं है? क्या कहेगी, पर कभी कभी रो देती है, तब मुझे इतना मजा आता है ना क्या बोलूं। आप मैना से मेहनत करवा रही है और चंदन मैना की मदद कर रहा है। हाँ देखो ना, आज मैना पानी भरते भरते गिरी जा रही थी, तभी चंदन ने आके उसे पकड़ लिया। अच्छा गुस्सा आएगा कि नहीं बताओ? हाँ गुस्सा तो आएगा ही, पर जैसा कि तुमने कहा था चंदन को उसने पानी भी नहीं भरने दिया और बात भी नहीं की। आप एक बार चंदन और मैना को बुलाइए तो, आज मैं एक फैसला करके ही रहूंगा। अच्छे से दोनों को सबक सिखाना, छोड़ना मत बिल्कुल। चंदन, अजय तुम्हें बुला रहा है। मैना, तुम भी चलो। भाभी, मैना के सामने चंदन ने मुझे क्या कहा था? बेवकूफ कहा था, सामने ही तो खड़ा है, पूछ के देखो कहा था कि नहीं। समझी भाभी, चंदन ने मुझे उस दिन बेवकूफ कहा था, वो सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं सच में बेवकूफ हूँ। अगर मैं बेवकूफ नहीं होता तो जो औरत सारा दिन मेहनत करने के बाद जब तक मुझे नींद ना आ जाए तब तक मेरी सेवा करती है, आप जैसी एक पाजी औरत की बात सुनकर उसे तकलीफ थोड़ी देता। क्या, मैं पाजी औरत हूँ? बड़े भैया से जाके पूछिए, बड़े भैया भी वही कहेंगे। चंदन, तू मुझे गलत मत समझना मेरे भाई, इस परिवार में मैं एक पैसा भी नहीं देता, इसलिए भाभी और पापा की बात सुनकर चलना पड़ता है। क्या बेकार की बात कर रहे हैं भैया, पैसा ही क्या दुनिया में सब कुछ होता है? सब कुछ होता है कि नहीं नहीं पता, लेकिन बड़ी भाभी और पापा के हाथों से मैना को बचा, नहीं तो ये बेचारी मेहनत करते करते मर जाएगी। भाभी आप अपने कमरे में जाइए, मुझे इन लोगों से प्राइवेट में बात करनी है। नहीं नहीं दीदी, क्यों जाएगी? दीदी आप यहाँ बैठिए ना। यहाँ बैठे मेरी जूती, मैंने बहुत पति देखे हैं, लेकिन कभी ऐसे मिमियाने वाला पति नहीं देखा। छी,
अब बड़े भैया शिकायत करने जाएगी तो इतनी बात सुनेगी ना। अरे अरे रुको रुको रुको, बात को मुझे जरा समझने दो। अजय ने तुम्हें कमरे से निकाल दिया? नहीं नहीं नहीं, ये सरासर झूठ। तुम चंदन को बुलाकर पूछ लो ना, उसके सामने ही अजय ने मुझे कमरे से बाहर निकलने को कहा। बुलाओ बुलाओ, चंदन को बुलाओ, जाओ बुलाओ जाके। अगर वो आके कह दे कि अजय ने तुम्हें कमरे से निकाल दिया है तो खूब अच्छे से सुनाना उसे। हाँ, मैं अभी चंदन को बुलाती हूँ। क्यों रे गुड्डू, तू क्या समझा? मम्मी का बैंड बज गया। भैया हाँ सुन, अजय ने डॉली को कमरे से निकाल दिया? अरे नहीं नहीं, मुझे जानना है ये सच है कि नहीं। हाँ सच है। सुना तो, अब मैं अजय को यहाँ बुलाऊं? नहीं नहीं नहीं, उसे बुलाने की जरूरत नहीं, जो करना है चंदन करेगा। ले ये 50 रुपए की मिठाई सामने की दुकान से लाके अजय को खिला दे। जा जा। किसे? अजय को। तुम अजय को मिठाई खिलाओगे? इतने दिनों के बाद अजय ने तुम्हें मजा चखाया है, तुम्हारा पति होने के नाते ये तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे मिठाई चखाऊं, है ना? माँ एक काम करो, तुम मायके चली जाओ। क्या? तुझे तो अरे रे 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 रे, अरे गुड्डू तुम मेरे पास चला, शैतान बदमाश। क्या हुआ पूजा, इतनी सुबह सुबह? ये चिट्ठी थोड़ा पढ़ दीजिए ना। किसकी चिट्ठी है? मैना दीदी की। मेरे आदरणीय पापा, बहुत ही बेवस होकर आपको ये चिट्ठी लिख रही हूँ। जैसे भी हो 7 दिन के अंदर 10 तोले गहने यहाँ भेज दीजिए। उसके बाद क्या लिखा है? घर वाले, खासकर दीदी और ससुर जी, मुझे दिन भर ताना मारते हैं। आप गहने नहीं दे पाए, इसीलिए उन लोगों ने घर के सारे नौकरों को निकाल के घर का सारा काम मुझसे करवा रहे हैं। इसी तरह से वो लोग 10 तोले गहनों का दाम मुझसे वसूलेंगे। रुक क्यों गए, पढ़िए। उस दिन देवर जी ने एक कप तोड़ दिया। दीदी को लगा कि वो कप मैंने तोड़ा है। कहा, गहने लाते समय अपने बाप से कहना तुम्हारे तोड़ने के लिए वो 10 कप अपने साथ लेकर आए। छी, कितने घटिया है। पढ़िए ना। पापा, सच कह रही हूँ, इससे अच्छा होता अगर उस नकुल दत्त के साथ मेरी शादी हो जाती। और जो भी हो, दिन रात अपने माँ बाप के बारे में सुनना तो नहीं पड़ता ना। पूजा कैसी है उसे कहना, उसे देखने का मुझे बहुत मन कर रहा है। उसके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। और क्या लिखा है? मैंने तो पहले ही कहा था। पढ़िए ना, आप जरा कोशिश करके देखिए ना, गहने भेज सकते हैं या नहीं। अगर गले के लिए हार नहीं भेज सकते हैं तो कम से कम लटकने के लिए रस्सी भेज दीजिएगा। आप और मम्मी अपना ख्याल रखिएगा और पूजा को मेरा प्यार दीजिएगा। आपकी बेटी मैना। तब अगर मेरी बात मानते। चलिए मेरे साथ। कहाँ जाना है? नकुल दत्त के घर। आओ आओ, अंदर आओ। तो कब शादी करोगी? अब 10 तोले गहने लेकर मेरे साथ मैना दी के घर चलिए। वापस आते ही बड़े साहब से मैं कहूंगी। तेरे साहब तो शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। तो फिर मैं घर से भागकर गांव के मंदिर में आपसे शादी कर लूंगी। मैं तो हूँ। हाँ। जब पूजा तैयार है तब काली माँ के सामने मैं आप दोनों की शादी मंदिर में करवा दूंगा। गहने मैंने दिए,
वापस आकर ये तो नहीं कहोगी नहीं शादी नहीं करूंगी? आप मेरी दीदी को बचाकर मुझ पर उपकार करेंगे और मैं आपको धोखा दूंगी? सुन, हो सकता है तू धोखा ना दे, लेकिन तेरे बड़े साहब, मैं अपने मन की मालिक हूँ। इस गांव में मेरा जन्म हुआ है और जब इस गांव की मिट्टी पर मैं खड़े होकर कह रही हूँ तो कोई मुझे बस 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 तुझे और कुछ नहीं कहना होगा। मैं कहने देता हूँ, तू जाके उस कमरे में बैठ। तू उस कमरे में बैठ, मैं तैयार हो जाऊँ। आपके पास बढ़िया कप प्लेट का सेट है? क्यों कप प्लेट क्यों है या नहीं बताइए ना। होगा क्यों नहीं है, तो गहने के साथ कप प्लेट का सेट भी ले लीजिएगा। गहने कप प्लेट, कप प्लेट क्या करोगी पूजा? तू ये क्या हुआ? शुरुआत। किसकी शुरुआत? तोड़ने की। मैंने दीदी से कहा था ना, 10 तोले गहने के साथ तोड़ने के लिए 10 कपलेट भी लेके आऊं, उसी में से एक तोड़ा। पूजा जरा हट जाओ, दूसरा कप टूटने वाला है। अरे मत मारो, नहीं तो सर फूट जाएगा। आओ अंदर आओ। रुक जाइए, पहले आपके पिताजी को 10 तोले गहने तो दे आऊं। चल, वो इस कमरे में है। रुकिए, जब मैं उस कमरे से बाहर आ जाऊं उसके बाद आप वहां जाइएगा। बुड्ढे ने शादी के दिन बहुत भाषण दिया था, आज मैं उसका बदला लूंगी। अरे ओ बुड्ढे। प्रणाम दीदी के आदर्शवादी ससुर जी। इससे पहले तूने क्या कहा? कहा कुछ भी तो नहीं। तुझे क्या लगा मैंने सुना नहीं? तूने मुझे बुढ़ा नहीं कहा? अब ये देखो, जवान बेटों के बाप की जवानी देखो, सर पर बाल नहीं बचे। बुढ़ा नहीं तो क्या, हीरो कहूँ? तू इस घर में क्यों आई है? बुढ़े के चेहरे पर हंसी लाने के लिए। क्या कहा? इतनी देर तो कह रही थी, अब दिखाती हूँ। ओह, गहने भेजे हैं, बहुत बढ़िया। दे दे मुझे दे। मैं आपको दूं कि मैना दीदी को पहनने के लिए दे दूं? नहीं नहीं, मुझे दे। ओ, आप गहने पहनेंगे? हमारे गांव में तो लड़कियां गहने पहनती हैं, शहर में शायद बुड्ढे भी गहने पहनते हैं। और क्या क्या लाई है मुझे दिखा। क्या अजीब ससुर है बाबा, गहने देख कर तो लड़कियां भी इतनी उतावली नहीं होती। लीजिए, पहले इसे पहन लीजिए, उसके बाद कान में झुमके, हाथ में कंगन और नाक में बड़ी नथिया पहन लीजिएगा। बिना बकवास के क्या क्या गहने लाई है मुझे दे, मैं वजन करा के लाता हूँ। वजन तो करवाएंगे, लेकिन आसपास कोयले की दुकान तो है ना? कोयले की दुकान में सोने का वजन? हाँ, पहले गहने पहना कर आपका वजन करूँगी, उसके बाद गहने उतरवा कर फिर से आपका वजन करवाऊंगी, तो फिर उससे गहनों का वजन पता चल जाएगा। आप जितने हट्टे कट्टे हैं, कोयले की तराजू के अलावा आपको और कहीं नहीं तौल सकते। देख पूजा, ये तेरा गांव नहीं है, इसीलिए तो आप बच गए, वरना इसी कप से आपका सर फोड़ देती। तू कप क्यों लेकर आई है? आपके लिए गहने लाई हूँ और आपकी बड़ी बहू के लिए कप। ये लीजिए आपके गहने। चलती हो बुड्ढे। एक बज गया है, अभी तक पूजा की कोई खबर ही नहीं है। सुबह से पता नहीं कहाँ गायब है ये लड़की। ये देख, ये देख। अब मैं जा रही हूँ भैया। क्या जा रही हूँ मतलब? मैना ने तुमसे कुछ नहीं कहा? जी नहीं तो। अरे 7 दिन के बाद मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसके बाद चली जाना। तुम भी कमाल करते हो, नौकर चाकर कुछ नहीं देख रहे हो, जो दिखा उसी को न्योता दे रहे हो। इसके बैग में अभी भी 9 कप हैं, इस बार फेंक के नहीं सर में ठोक ठोक के तोड़ेगी। सुनो, भिखारियों को इतना श्रेय मत दो, वरना वो सर पे बैठ जाएंगे, समझे?
अरे सर, तो मेरा एक ही है, उसमें अब जगह कहाँ है? पहले से ही तो एक भिखारन चढ़कर बैठी है। क्या कहा? मैं भिखारन हूँ? अगर ये भिखारन है तो तुम भी वही, लेकिन पैसे वाली, यही फर्क है। मैं और एक पल इस घर में नहीं रहूंगी, मैं अभी मायके चली जाऊंगी। मम्मी रोज ही कहती हो जाऊंगी जाऊंगी, जाती क्यों नहीं हो? तो चुप कर, जैसा बाप वैसा बेटा। मैं तो घर पर कह के नहीं आई, बड़े साहब माँ जी सब चिंता कर रहे होंगे। अरे ठीक है, मैं नकुल चाचा को बोल देता हूँ। नकुल चाचा? अरे नकुल चाचा सुनिए, अरे सुनिए सुनिए, अच्छा सुनिए, आप इसके घर में कह दीजिएगा ये 7 दिन बाद लौटेंगे। मैं वापस नहीं गई तो बड़े साहब बहुत गुस्सा करेंगे, है ना? आप मुझे ले चलिए। अरे नहीं नहीं, तुम यही हो, अरे ये जाना चाहती है तो जाने दो ना। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या कहते हो? अरे ये बिचारी कितनी दूर से 10 कप तोड़ने के लिए यहाँ लाई है, अभी तो बस 1 तोड़ा है, बाकी 9 तोड़ने दो फिर जाएगी। इसने मेरा अपमान किया और तुम? बुरा लगा है ना, बहुत बुरा लगा। और तुम उठते बैठते जिनका अपमान करती हो उन्हें भी ऐसे ही बुरा लगता है। सुनो नरेश, इसके बड़े साहब ने कहा था कि सयाजी है ना। अरे नहीं नहीं, आप उनको थोड़ा समझा के कहिएगा, वो बुरा नहीं मानेंगे, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप जरा इधर आइए। मैना के ससुराल में गई है? हाँ, क्या मुसीबत है, सुबह सुबह मेरे घर में जाके रो रो के कहने लगी मैना दीदी से मिलने जाना है, मैना दीदी से मिलने जाना है, तो मैं और क्या करता, सारा काम छोड़ छाड़ के उसको लेके जाना पड़ा। पूजा तो आपको बर्दाश्त ही नहीं कर पाती है, लेकिन शहर ले जाने के लिए उसने आपसे कहा? देखिए ना, मैं भी एकदम हैरान हो गया। पूजा की बात छोड़िए तो, उसके दिमाग में कब क्या भूत चढ़ता है। हाँ, भूत, मुझे उस रात में भूत का ही डर दिखाकर तो मार ही डाला था उसने। 7 दिन तक पूजा वहां रहकर क्या करेगी? सुबह सुबह उठकर बर्तन धोना शुरू कर दिया? उठ उठ उठ, उठ जाओ, मतलब मेरे रहते तुम बर्तन धोगी क्या? सिर्फ 7 दिन के लिए तू मेरे ससुराल आई है, ये 7 दिन मैं तुझे कुछ नहीं करने दूंगी। उठ उठ ना, हटो तो काम करने दो। बचपन से तो तू काम ही कर रही है, ये 7 दिन जाओ जाओ, इस घर में सारी जिंदगी तो गधे की तरह काम करना ही है, तो कम से कम जितने दिन मैं इस घर में हूँ उतने दिन तो तुम आराम कर लो। आराम? दीदी उठकर ही कोई ना कोई काम पकड़ा देगी, और अगर कोई काम नहीं हुआ तो दाल चावल मिलाकर अलग करने के लिए कहेंगी। महारानी कब उठेगी? जब उनका मन होगा। रुको, उनकी नींद में अभी उड़ाती हूँ। अरे ये क्या किया तूने? ये क्या हुआ? 2 टूट गए, थैली में अभी भी 8 है। तुम क्या बाकी 8 कप भी तोड़ दोगी? हाँ, ठीक समय में एक एक करके। क्या हुआ? हमदर्दी दिखा के 7 दिनों के लिए रोक तो लिया, अब देखो। पूजा, मर्द होकर आप औरतों के झगड़े में मत पड़िए भैया। इन्होंने तोड़ने के लिए 10 कप मंगवाए थे, इसीलिए मैं एक एक करके तोड़ रही हूँ। कह दो कि मुझसे गलती हो गई। किसे कहूँ, उस नौकरानी से? क्या अनाप शनाप बक रही हो? कुछ अनाप शनाप नहीं कहा, नौकरानी को नौकरानी कहा।
पूजा, जैसे कब तोड़ रही हो तोड़ती जाओ, और हो सके तो इसके सर में भी एक तोड़ देना। घर का कोई भी मर्द बीच में नहीं आएगा। जाओ तुम लोग कमरे में जाओ, जाओ। जा, टूटा हुआ कप वहां से हटा दे। मैं यहाँ 7 दिनों तक हूँ ना, इन 7 दिनों में मैं तुम्हें सुधार के जाऊंगी। क्या कहा? छोड़ दूँ तुम्हारी ये कलाई? अरे अरे, क्या कर रही है तू? छोड़, इनको मैंने समझा दिया है, मैं मैना नहीं पूजा हूँ। मुझे पत्थर मारेंगी तो मैं इसका बदला जरूर लूंगी। फोड़ो ना। पिताजी, आप मैना से कह दीजिए अभी उस नौकरानी को गांव भेज दे। पूजा तो जाना ही चाहती थी, तुम्हारे पति ने उसे रोका है। मुझसे ना कहकर अपने पति से जाके कहो। ले। समझा गुड्डू, अगर मैना तेरी चाची ना बनकर पूजा तेरी चाची बनकर इस घर में आती तो खेल में मजा आ जाता है ना। तुझे क्या लगता है? तो वो नौकरानी तुम्हें इतनी ही पसंद है तो तुम्हारा वो लफंगा छोटा भाई तो है, उसी की पत्नी बनाकर ले आओ ना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, बिल्कुल ठीक कहा है। इस बारे में तो चंदन के साथ बात करनी पड़ेगी। हाँ, तुम क्या सच में चंदन के साथ उस नौकरानी की शादी करवाओगे? अगर चंदन राजी हो जाता है तो शादी करवा दूंगा। तुमने मछली बहू मैना को नौकरानी बनाया है, अब पूजा आकर तुम्हें नौकरानी बनाकर पूरे घर का काम करवाएगी। और कुछ कहने से क्या होगा? बम फूटेगा बम। अब जरा इस कमरे से बाहर जाइए तो, मुझे सफाई करनी है। जाइए, आपके कमरे की सफाई कर दी मैंने। मजली भाभी, ओ मजली भाभी, मजली भाभी, क्या हुआ? ये क्या हुआ है? अरे क्या हुआ, तू चिल्ला क्यों रहा है? हाँ, अरे चिल्लाऊंगा नहीं, देखिए देखिए बड़े भैया, देखिए इतनी मेहनत से मैं सुबह से बना रहा था और देखिए क्या हो गया। आप हंस रहे हैं? देखो जरा देखो, ये तो मैंने बनाया है। क्यों क्यों किया तुमने?
देखिए ना भैया, आज सुबह इनके कमरे की सफाई करने गई तो मैंने देखा इन्होंने जो बनाया है उसे देख रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं। मेरे जाते ही ये कमरे से निकल गए। मैंने देखा बेचारे ने सिर्फ एक सर ही बनाया था, लेकिन आँख नाक मुंह कुछ भी नहीं बना पा रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा। आपके घर में रह रही हूँ, खा रही हूँ, सो रही हूँ, इसीलिए तुमने पेंटिंग बर्बाद कर दी। हीरा, मैंने अब क्या बर्बाद कर दिया? अच्छा भैया, आप ही बताइए ये इंसान का सर है कि नहीं। लेकिन हाँ, ये सर पे जो टिक्की है वो मैंने बनाई है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो बताइए, मैं रबर से इसे मिटा दूंगी। आप लोग सब कोई हंस रहे हैं? दो। बड़े भैया, इस जंगली को घर से निकालिए कि नहीं, बोलिए। निकालेंगे? तुम्हारे भैया ने सोचा है कि इसके साथ तुम्हारी शादी करवाएंगे। नहीं नहीं भैया, आप मुझे माफ कर दीजिए। जो इंसान एक सर नहीं बना सकता, मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगी। ऐसे भाव मार रही हो जैसे तुमसे शादी करने के लिए। जितना पागल है सब यही है। ए, अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर मुझे पागल कहा तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ए पूजा, चुप रहेगी? क्या करोगी, क्या करोगी? सुनो, अभी क्यों बताऊं? जब होगा तब खुद पता चल जाएगा। मेरे कमरे में कभी मत घुसना। अगर घुसी ना तो तालाब में ले जाकर डुबा दूंगा तुम्हें। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कौन किसको डुबाता है। यहाँ सभी गवाह हैं। ऐसे ही तो हम गहने नहीं दे पाए हैं। उसके ऊपर पूजा भी जाकर वहां रह गई है। वो लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। पूजा के पास ना बुद्धि कम है, लेकिन मैना तो वो तो पूजा को नकुल दत्त के साथ उसे यहाँ भेज सकती थी। घर चली जाऊं? हाँ, तूने यहाँ आकर जो शुरू किया है। मैं तो यहाँ तुम्हारे जेठ जी के कहने से हूँ। अगर वो जाने को कहे तो मैं चली जाऊंगी। तो फिर वादा कर, यहाँ जितने दिन रहेगी शांत रहेगी। ठीक है, मेरी माँ वही होगा। मेरी अच्छी बहन, सुनो ना, तुम्हारे पास 10 रुपए होंगे। पैसे लेकर क्या करेगी तू? तुम तो जानती ही हो मुझे बादाम नमकीन ये सब खाना कितना पसंद है। दुकान कहाँ है पता है? जब खाने की इच्छा हुई है तो मैं दुकान ढूंढी लूंगी। अच्छा बैठ देती हूँ। भाई सुनो, एक आदमी से नहीं होगा, और 3 लोगों को बुलाओ। मुझे 4 रिक्शा चाहिए। लंबू, कालू, बिमल, तुम सब इधर आओ। कहाँ जाना है बोलिए। सभी को आने दो, मैं बताती हूँ। मैं अभी कुछ पैसे देकर जा रही हूँ, लेकिन तुम लोग कल सुबह 4 बजे आना। इतने सुबह सुबह कहाँ जाना है? यहाँ पर निवारण चौधरी का घर जानते हो? निवारण चौधरी का घर? निवारण चौधरी? अरे चंदन भैया का घर नहीं जानते? चंदन भैया को तुम जानते हो? हाँ हाँ, आप बोलिए ना क्या करना है। चंदन भैया कल सुबह स्टेशन जाएंगे, उतनी सुबह तो उन्हें टैक्सी नहीं मिलेगी, इसीलिए तुम लोग 4 लोग 4 रिक्शा लेकर जाना। 4 रिक्शा से क्या होगा? चंदन भैया के अकेले जाएंगे, उनके घर वाले भी जाएंगे, सूटकेस जाएगा, बाकी सामान भी जाएगा। ठीक है, कल सुबह 4 बजे जाके हम लोग हॉर्न बजाएंगे। नहीं नहीं, सिर्फ हॉर्न बजाने से नहीं चलेगा, उसके साथ चंदन भैया करके चिल्लाना भी होगा। ठीक है, ये लो 10 रुपए, बाकी के पैसे कल लेना। नहीं नहीं, पैसा भी अपने पास ही रखिए, हम लोग चंदन भैया से ले लेंगे। ये चंदन भैया ने ही दिया है, लो दीजिए तब। सुनो, चंदन भैया को जल्दी उठने की आदत नहीं है, इसलिए तुम लोग जब सुबह उन्हें बुलाने आओगे तो चंदन भैया नींद में तुम्हें कुछ भी कह सकते हैं। तुम लोग एक बाल्टी में पानी भर के ले आना, उनकी आंखों में पानी छिड़कने से ही उनकी नींद भाग जाएगी। पानी छिड़कने से वो कुछ कहेंगे तो नहीं ना? कह ही सकते हैं, नींद में इंसान कितना कुछ कहता है। अगर तुम्हें लगे कि वो ज्यादा बोल रहे हैं तो पूरी बाल्टी ही उन पर उड़ेल देना, तब देखना कि उन्हें सब याद आ जाएगा। अच्छा ठीक है, आप जाइए, हम लोग सुबह 4 बजे ठीक पहुँच जाएंगे। चंदन भैया, ओ चंदन भैया, चंदन भैया, ओ चंदन भैया, चंदन भैया, अरे क्या भैया, चंदन भैया, ओ चंदन भैया, चंदन भैया, चंदन भैया, चंदन भैया, चंदन भैया, चंदन भैया, ओ चंदन भैया, चंदन भैया।
सुनो ना, सुनो ना, बाहर कोई देवर जी को बुला रहा है। क्या हुआ? सुबह सुबह कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहा? अरे जल्दी करिए वरना देर हो जाएगी। देर हो जाएगी मतलब? स्टेशन नहीं जाना है। स्टेशन? मैं क्यों जाऊंगा स्टेशन? क्या नाम से ना बकरा? विमल पानी का छीटा मार वरना इनको याद नहीं आएगा। क्या याद नहीं आएगा? नींद में है तो अभी ठीक करता हूँ। ए बाटी दे दो। ए, वो क्या रहे यहाँ? अभी भी आपको याद नहीं आ रहा है? बाप रे बाप, कितनी गहरी नींद है। रुकिए याद दिलाता हूँ। ये क्या? ये क्या क्या? आप स्टेशन नहीं जाएंगे? किसने कहा मैं स्टेशन जाऊंगा? बोल पूजा। ए पूजा, पूजा क्या बात है? इतनी सुबह सुबह इन लोगों को बुलाया है और ये क्या? लगता है डुबकी भी लगा कर आया है। कहीं जाना है क्या? मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, लेकिन आज इस घर से एक इंसान को जाना ही होगा। मजली भाभी, पूजा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। रिक्शा वालों का किराया देकर उन्हें मिठाई खाने के लिए पैसे भी देकर आ रही हूँ। ये क्या है? भैया, आपके भाई ने कल बोला था ना कि मुझे तालाब में डुबाएंगे। आप लोग सभी देख लीजिए कि किसने किसको डुबाया। बड़े भैया, आप इसको घर से निकालिएगा या मैं घर छोड़कर निकल जाऊँ। ये लड़की नहीं, जहर की पुड़िया है। कहाँ तो उसकी तारीफ करेगा। सबस पूजा, गांव की बुद्धि के आगे आज शहर की बुद्धि हार गई। बुआ, मम्मी को नहलाओ ना। ए, चल चल। पाजी कहीं का। पूजा, इसे साबुन लगाकर अच्छी तरह से नहला दो। इसके बदन से बहुत बांस आ रही है। जाओ ले जाओ। चलिए, गंदे पानी से तो आपने मुंह धो लिया, अब चलिए अच्छे पानी से मैं नहला दूं। मजली भाभी, आपके घर की ये रुक क्यों गए? कहिए, अपने घर की नौकरानी को जरा समझा दो, नहीं तो। बाप रे बाप, मुझे माफ कर दो। दोनों की जोड़ी अच्छी जमेगी। आप ही बताइए, ये इंसान का सर है कि नहीं? लेकिन हाँ, ये सर पे जो टिक्की है वो मैंने बनाई है। पगली। ओह, हे भगवान! अरे, अरे, ये क्या किया? देख कितना खून बह रहा है। उठ उठ उठ। चल चल। क्या हुआ? अरे, ये तो खून निकल रहा है। देखो देखो देखो। अरे क्या हुआ? पकड़ के रखो इसको। चोट कैसे लगी? हथौड़े से कोयला तोड़ते वक्त। अरे हथौड़ा तो लोहे का है। अरे ये तो बहुत डेंजरस केस है। सुन, तू इसे डॉक्टर के पास ले जा। अगर टीटनस इंजेक्शन देने के लिए कहे तो दिलवा देना। अच्छा। समझ गया? देर मत करना, मैं चलता हूँ। चलो। नहीं नहीं, मैं सुई नहीं लगवाऊंगी दीदी। बचपना मत कर, डॉक्टर के पास जा, देख क्या कहते हैं। साड़ी बदल के एक मेरी साड़ी पहन ले। चल। यहां से दाएं ले ले। सुनिए महाशय, आपने कहा था आप मुझे सबक सिखाएंगे, मगर ये सबक आपने नहीं सिखाया, मैंने अपने आप से ही सीख लिया। तुम्हारा दिमाग खराब है, समझी? ठीक है, अगर मेरा दिमाग खराब है तो फिर मैं आपका दिमाग ठीक कर दूंगी। इतना भक्ति होता। अच्छा, जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो बुढ़ा है या जवान? इससे तो पहले कभी नहीं देखा। क्या लगती है तुम्हारी? वो मेरी मजली भाभी है ना, यह है मेरी मजली भाभी की घर की। रुक क्यों गए बताइए? मैं इनके भाभी के मायके की नौकरानी हूँ। नौकरानी? नहीं नहीं, मतलब वही वो। मतलब क्यों कर रहे हैं अब? पैसे वाले लोग सच बोलने से इतना डरते क्यों हैं बताइए तो? मेरे नौकरानी होने से
आपके डॉक्टर साहब क्या मेरा इलाज नहीं करेंगे? चलो अपना हाथ दो। तुमने डॉक्टर साहब से क्यों कहा कि तुम मजली भाभी के घर की नौकरानी हो? तो क्या कहने से आपको खुशी मिलती? आपकी पत्नी? हाँ, तुम तो ये बोल सकती थी ना कि तुम मजली भाभी की बहन हो। मैंने कहा था मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। लेकिन घर पे तो तुम्हें झूठ बोलना ही पड़ेगा एक बार। क्या कहना होगा बताइए। कहना कि शाम को डॉक्टर साहब ने फिर से बुलाया है तुम्हें। इसका मतलब मुझे सबक सिखाने के लिए आप मुझे कहीं और ले जाएंगे? नहीं नहीं, सबक क्यों सिखाऊंगा मैं तुम्हें। रुक क्यों गए, कहिए आप मुझे क्या। इसीलिए लोग तुम्हें गमार कहते हैं। कहां पर ले जाऊंगा तुम समझ नहीं पा रही। कैसे समझेगी वो, इससे पहले कभी किसी लड़के के साथ उसने प्यार नहीं किया। आप एक बार समझा कर कहिएगा ना भाभी। वो एक भोली भाली लड़की है, मेरे कहने से वो तुम्हारे साथ चली जाएगी, लेकिन उससे क्या फायदा होगा? तुम्हारे पापा क्या तैयार होंगे उससे तुम्हारी शादी करवाने के लिए? बड़े भैया जब मेरे साथ हैं तो मैं किसी से नहीं डरता। ठीक है तुम जाओ, मैं उससे बात करती हूँ। सिर्फ कहने से नहीं होगा भाभी, उसे राजी भी करवाना होगा। कहाँ लेकर जाओगे उसे? है कर रानी मेरी तो फिर सुन ले, बहू बन के धोने होंगे बर्तन सारे। बनना है कर रानी मेरी तो फिर सुन ले, बहू बन के धोने होंगे बर्तन सारे। इतने सारे काम बोलो क्या तू करेगी? सुन 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 तेरे दिल की मेहरानी, सुन 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 तेरे दिल की मेहरानी। कुछ मांगा सब कुछ दूंगा अगर हो राजी, क्या करेंगे पापा जब मियां बीबी राजी। जो कुछ मांगा सब कुछ दूंगा अगर हो राजी, क्या करेंगे पापा जब मियां बीबी राजी। रानी बनाऊंगा तुझे रखूंगा खुशी। सुन 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 तेरे दिल की मेहरानी, सुन 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 तेरे दिल की मेहरानी। दीवाना तो मेरा, मैं तेरी दीवानी। सुन सुन
दिल की मैरानी, सुन 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 तेरे दिल की मैरानी, सुन 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 तेरे दिल की मैरानी। मैं पहले भी एक बार आई थी, देखा टेबल पर सर रखकर तुम सो रहे हो, इसीलिए नहीं उठाया। अचानक पता नहीं कैसे नींद लग गई थी। दिन में सोने से सपने आते हैं, तुमने कोई सपना तो नहीं देखा ना? सपना नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। सुनो, पूजा को मैं राजी नहीं करवा पाई, वो सिर्फ एक ही बात कह रही है जो नहीं हो सकता। वो कहाँ पे है? बुखार से तो शरीर जल रहा है तुम्हारा। आप फिकर मत कीजिए, अपने कमरे में जाइए, किसी ने देख लिया तो। तुम उठो। उठूं? हाँ, मेरे कमरे में चलो। आपके कमरे में? बात नहीं बढ़ाओ, चलो। नहीं नहीं, चलो कह रहा हूँ, नहीं तो जबरदस्ती ले जाऊंगा, सबको पता चल जाएगा। लेकिन चलो, तो चलो 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 चलो। आराम से आराम से। आराम से चलो, रुको, चलो चलो सो जाओ। मुझे सबक सिखाने वाले थे, लेकिन इस तरह सबक सिखाएंगे पता नहीं था। बकबक ना करके सोने की कोशिश करो। पूजा, अरे उठ, सुबह हो गई है। पूजा, ये क्या, तुम यहाँ? हाँ, कल रात पूजा को बहुत बुखार था, इस खुली जगह में सोने से और बुखार बढ़ जाती, इसलिए कमरे में सुला दिया। छी छी, तुम मुझे बुला सकते थे। चलो। नहीं, तू सोई रह। धत, मेरे रहते तुम काम करोगी, ऐसा होता है क्या? अब चंदन डॉक्टर के पास ले जाएगा तो जाएगी ना? अगर मना करूं तो भी नहीं सुनेंगे।
क्या ठीक हो? तो यही तो रखी थी। रखी थी तो चिट्ठी फिर गई कहाँ? मैं आ सकता हूँ? अरे आओ आओ आओ। नहीं नहीं आज नहीं बैठूंगा, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, आप दोनों को आना ही पड़ेगा। इस बार मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैना के रिसेप्शन में आप लोग नहीं आए थे। बुरा मत मानना बेटा, जब तक तुम्हारे पिताजी को सारे गहने ना दे दूं। अब कौन से गहने, भूल गए? वही जो मैना की शादी में देने की बात थी। मैं नहीं भूला, भूल गए हैं आप। गहने तो आपने कब के भेज दिए हैं? ओ समझ गई, अपने पिताजी के सामने हमारा सम्मान रखने के लिए तुमने ही गहने खरीद कर कहा होगा कि हमने दिए हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों गहने खरीदूंगा? नकुल चाचा को साथ लेकर पूजा ने जाके सारे गहने पिताजी को दे दिए हैं। क्यों जी, पूजा को इतने गहने कहाँ से मिले? नकुल दत्त तो पूजा को वहाँ पहुँचा कर हम लोगों से मिलकर गए, लेकिन कहाँ, गहनों के बारे में तो कुछ नहीं बताया। गहने के बारे में मुझे पूजा ने मना किया था बताने के लिए। उसे आपने गहने क्यों दिए? वो कलकत्ते से वापस आकर मुझसे शादी करेगी, इसीलिए। अपनी बेटी की उम्र की एक लड़की से शादी करके उसकी जिंदगी आप बर्बाद कर देंगे? आप क्या इंसान है? इंसान हो तभी तो इस उम्र में घर बसाने का सपना देख रहा हूँ। सपने ही देखिए, उसने कहा आपसे शादी करेगी और आपने विश्वास कर लिया। उसने मुझसे वादा किया है। वादा किया है? वो वादा करने वाली कौन है, मैं क्या मर गया हूँ? चलो मैं अभी पूजा के पास जाऊंगा, उसकी शादी मैं अभी करवाता हूँ। ये शादी शादी की रट क्या लगा रखी हो? मैं काम कर रही हूँ, मुझे काम करने दो। रट लगा रही हूँ तेरे भले के लिए। ऐसा लड़का तुझे कभी मिलेगा? मुझे नहीं चाहिए ऐसा लड़का। मुझे बता, क्यों नहीं शादी करना चाहती तो इसके साथ? बता दूं? हाँ बता। रुको। शादी मेरी कैसे होगी मेरे नहीं बाबा, शादी मेरी कैसे होगी मेरे नहीं बाबा, वो जब मांगेंगे नगद रुपया, आके जो देगा रुपया मिलेगा कहाँ, शादी मेरी कैसे होगी मेरे नहीं बाबा, शादी मेरी कैसे होगी मेरे नहीं बाबा। चाहूं ना मैं हो मेरी शादी, चाहूं ना मैं हो मेरी शादी।
शादी मेरी कैसे होगी, मेरे नहीं बाबा वो जब मांगेंगे नगद रुपया, आके जो देगा रुपया मिलेगा कहाँ। शादी मेरी कैसे होगी, मेरे नहीं बाबा, शादी मेरी कैसे होगी, मेरे नहीं बाबा, शादी मेरी कैसे होगी, मेरे नहीं बाबा। पूजा। बड़े साहब, माँ जी। अरे अरे, ठीक है ठीक है। तूने नकुल दत्त से गहने क्यों लिए? मेरे साथ चलिए बताती हूँ। यहाँ पर सब हैं, जो कहना है सबके सामने कहो। चुप रहने से कुछ नहीं होगा, बोल। मैना दीदी की चिट्ठी बिस्तर की। इसका मतलब मैना की चिट्ठी तूने हटाई थी? हाँ, जिंदगी में कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की, इसलिए उस चिट्ठी में क्या लिखा था ये जानने के लिए चिट्ठी लेकर शिवहरी जी के पास गई थी। उन्होंने पूरी चिट्ठी मुझे पढ़ के सुनाई। मैना दीदी ने उस चिट्ठी में कितने दुख के साथ लिखा था, अगर गले का हार नहीं भेज सकते तो कम से कम एक रस्सी भेज दीजिए। इसके लिए तूने अपनी जिंदगी को बर्बाद करके नकुल दत्त से गहने लेकर तूने इन लोगों को दिए? सुन मैना, इसने नकुल दत्त से वादा किया है ये यहाँ से लौट कर उसे शादी करेगी, ये खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। पूजा, ये तूने क्या किया? अगर मैं राजी नहीं होती तो नकुल दत्त मुझे गहने नहीं देता, और गहने ना देने पर तुम्हारे ससुर जी और बड़ी बहू मिलकर तुम्हें सता सता कर मार देते हैं। मेरे जिंदा रहते तुम्हें इस तरह मरने देती? बाप होकर जब शादी में मैंने गहने नहीं दिए तो ये मेहनत करती, बाप के अपराध की सजा बेटी को मिलती, लेकिन तूने क्यों खुद से आगे बढ़कर ये सजा अपने सर पर ले ली? सुनिए माँ जी, सुनिए, बड़े साहब क्या कह रहे हैं सुनिए। सिर्फ मैना दीदी आप लोगों की बेटी है, मैं आप लोगों की कोई नहीं। बोलिए ना, मैं आप लोगों की कोई नहीं। बोलिए ना, बोलिए ना माँ जी। आप लोगों की गलती की सजा अगर मैना दीदी को मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ इसलिए। बोलिए ना। माँ के मरने के बाद बचपन से आप लोगों ने मुझे पाला पोसा, कभी नहीं लगा मैं नौकरानी की बेटी हूँ। उस दिन जब मैना दीदी की चिट्ठी पढ़कर आप दोनों ही रो पड़े थे, तब मेरा दिल भी अंदर से रो रहा था। लग रहा था किसी भी तरह मैना दीदी को बचाना ही होगा, मैना दीदी को बचाना ही होगा। पिताजी, मैं वादा करती हूँ आप लोग जो कहेंगे मैं वही करूंगी, दिन रात 2400 घंटे काम करूंगी। आप मेहरबानी करके मेरी बहन को बचा लीजिए, उसके दिए हुए गहने अब वापस कर दीजिए पिताजी। जो होना था हो गया, मैं नकुल चाचा से बात कर लूंगा। चंदन और पूजा की शादी आज ही हम लोग पक्की कर लेते हैं। क्या बकवास कर रहा है, घर की एक नौकरानी के साथ? पापा, शादी के पहले बेटियां घर की ही लड़की होती हैं, शादी के बाद ससुराल में आके आपके जैसा ससुर और इस बड़ी भाभी की तरफ बेहया औरत के चक्कर में पड़ के वो घर की नौकरानी बन जाती है, और तब बाहर से देखकर कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन नौकरानी है और कौन घर की बहू है। अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन पैसे और गहनों का क्या होगा? मजली बहू के गहने तो 2 महीने बाद मिले। पूजा की शादी के गहने शादी के दिन ही मिलेंगे। मैं एक भी गहना नहीं दूंगी, बता देती हूँ। जाओ, वो गहने पानी में भिगो कर हर रोज सोने का शरबत पियो। गहने सिर्फ तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे बाप ने दुनिया के सारे गहने खरीद लिए हैं, दुनिया में जैसे कहीं गहने नहीं है। और पैसों का क्या होगा? आज बैंक बंद है, कल ही मैं आपको 25,000 रुपया निकाल कर दूंगा, मजली बहू से 5,000 रुपए ज्यादा। अब खुश हैं तो? मैं कह रहा था कि। अरे नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूजा का बड़ा भाई हूँ, लेन देन के बारे में मैं ही लड़के के पिता निवारण चौधरी से बात कर लूंगा। आप बेकार में ही बात को बढ़ा रहे हैं भैया, मैं आपके भाई से शादी नहीं कर सकती। नहीं कर सकती? नकुल दत्त के बारे में आप लोग जो भी सोचे, लेकिन वो मेरे लिए देवता है। उन्होंने मेरी जैसी एक नौकरानी की एक बबात पर ही विश्वास करके 10 तोले गहने मेरे हाथ में दे दिए, उन्हें मैं धोखा नहीं दे सकती। दुनिया की सारी खुशियां मिल जाए फिर भी
मैं नकुल दत्त के सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है? उस बुड्ढे के लिए तो दीदी, नकुल दत्त बुड्ढा हो या जवान, कम से कम तुम्हें तो उनका एहसान मानना चाहिए। अगर उस दिन नकुल दत्त बड़े साहब को 20,000 रुपए ना देते तो तुम्हारी शादी हो पाती? बन पाती तुम इस घर की बहू? बोलो, बन पाती? इसीलिए तू अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद कर देगी? पैसे देकर जिस इंसान ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है, तो उसके लिए मेरी जिंदगी? नहीं नहीं रे पूजा, मेरे लिए तुझे जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है। मैंने छुपकर तेरी सारी बातें सुन ली है। तू अपनी बहन की भलाई के लिए खुद को मेरे हाथों में सौंप दे रही थी। इतनी बड़ी कुर्बानी, इसका मोल शहर के लोग चाहे ना दें, पर गांव का ये बूढ़ा तुझे जरूर देगा। सुनो निवारण, मैना की शादी के गहने तुम्हें बाद में मिले थे, पूजा की शादी के गहने मैं तुम्हें कल ही दे दूंगा। बोलो जरा, कितने गहने चाहिए तुम्हें? सुनो, तुम्हारे घर में बड़ी बहू की तरह एक शैतान औरत होने के बावजूद उम्मीद करता हूँ अपने घर में लक्ष्मी की छोटी सी मूर्ति बिठाई होगी। बिठाई है कि नहीं? हाँ है। तो फिर तुम एक काम करो, तुम कल एक तराजू लेकर आना, ठीक है? मैं एक तरफ लक्ष्मी की मूर्ति बिठाकर दूसरे पल्ले पर मैं सोना रखता रहूंगा, उस लक्ष्मी के बराबर मैं तुम्हें सोना दूंगा। मेरी इस लक्ष्मी बेटी पूजा की शादी के लिए। हाँ रे पूजा, तू बिल्कुल लक्ष्मी है, तेरे लिए सिर्फ गहने ही क्यों पूजा, ये जो चाहते हैं सब मैं दूंगा। जानती है पूजा, आज मुझे बहुत गर्व है, मैं उस गांव में पैदा हुआ हूँ जिस गांव में तू रहती है। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। पैरों को हाथ मत लगाना। जानती है पूजा, हम सभी को तेरी जैसी लड़की की हाथ छोड़कर पूजा करनी चाहिए। अच्छा बेटा चंदन, मेरी बेटी को तो मुझसे छीन लिया, तो मैं लक्ष्मी को नारायण के बगल में खड़ा करके देखूं कि कैसा लगता है। वाह, आशीर्वाद ले। कर दिया ना सब सत्यानाश, आशीर्वाद देने के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है, क्या दूंगा? आपने आशीर्वाद दे दिया, यही बहुत है, आपको और कुछ नहीं देना होगा। अच्छा ऐसा होता है, लो। तो अब तुमको मैं देखूं, जरा हाथ तो देखूं। अरे गहने देने की जरूरत नहीं, कम से कम औरत होने का फर्ज तो निभाओ, उसमें तो पैसे नहीं लगते। मम्मी मैं बजाता हूँ। माँ और बहनों, आप लोग चुप क्यों हैं? जरा मुस्कुराइए, और भाई लोग तालियां बजाओ।